अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान। आप देख रहे हैं GFXMentor फ्राइडे नाइट लाइव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग सारे के सारे? उम्मीद करता हूं ये जो हल्का सा शशका डाला था ये अच्छा लगा होगा। कुछ आपके भाई ने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है सिस्टम, माइक नया आ गया है, कुछ ऑडियो इफेक्ट्स भी हैं इस तरह के, बड़े मजेदार से लगेंगे। फ्यूचर में बहुत ज्यादा मजे की प्लानिंग्स हैं एंड एक गुड न्यूज भी है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की स्ट्रीम में। बहरहाल आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं अरसलान अली, और इनका एक बहुत ही बेहतरीन सा यूट्यूब चैनल है डिजाइन एकेडमी। आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं और बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे, तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं को पहचानवाने, यार क्या वर्ड होगा, फेमिलियराइज कराने के लिए मैं अरसलान भाई को लेकर आया हूं। तो लेट्स वेलकम अरसलान। कैसे अरसलान भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। सर जी पहले तो सबसे पहले तो आप जरा अपना इंट्रोडक्शन बता दें, और ये मैं आपको कर रहा हूँ सोलो, अब बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अरसलान अली है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ 2009 से, प्लस ग्राफिक डिज़ाइन का ट्रेनर भी हूँ ई रोज़गार में, और इसके अलावा प्राइवेट कोचिंग भी करता हूँ, प्राइवेट ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल भी है और वहाँ पर भी ग्राफिक डिज़ाइन के ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। बस सर इतना सा इंट्रो? अच्छा जी, सो अच्छा, आप लोगों के जो सवालात हैं वो डेफिनेटली हम लेंगे वक्तन फवक्तन, और कुछ चीज़ें मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द यूट्यूब कम्युनिटी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो बगैर किसी गर्ज के लोगों को सिखा रहे हैं, फिर चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो या किसी और फील्ड से हो। ठीक है, मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान ये कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को भी लेकर आऊँ जिनका ताल्लुक भले से ग्राफिक डिजाइनिंग से ना हो लेकिन वो कुछ ना कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैम बहुत ज्यादा। बहरहाल इस वक्त हमें दो जगह देखा जा रहा है, यूट्यूब और फेसबुक, दोनों जगह मैं लाइव हूं, एंड आई होप आप लोगों को ये स्ट्रीम, अब देखें स्ट्रीम का गेम जो है ना मैं थोड़ा सा अप करता जा रहा हूं, और अब मैं सिर्फ साउंड इफेक्ट्स या ये चीज़ें, आई अप्रिशिएट आप लोग को अच्छा लगा, साउंड इफेक्ट्स के अलावा नेक्स्ट जो मेरा प्लान है वो बहुत धमाका खैज है, बहुत ज़्यादा धमाका खैज है, तुम लोग को माइंड ब्लो हो जाएगा। बता दूँ क्या अरसलान भाई? बताऊँ क्या? जैसे अपग्रेड होती जा रही है तो एक फीचर मैं अब अपनी लाइव स्ट्रीम्स में लाने लगा हूँ और वो है लाइव कॉल्स। सो इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे से जो मेरी लाइव स्ट्रीम्स होंगी उसमें आपको मैं एक फोन नंबर दूंगा जो कि फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर लें, जाहिर है कहीं से भी आप कॉल करें व्हाट्सएप कॉल तो आपको पता है फ्री है, एंड आप हमारे गेस्ट से और हमसे लाइव बात कर सकेंगे एंड आपकी आवाज भी सब लोग सुन सकेंगे। सो दैट वुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट न्यू एंड अमेजिंग, एंड नंबर बड़ा अच्छा मिला है, नंबर बड़ा अच्छा मिला है सर, नंबर तो बस मत पूछे नंबर, मैं इस नंबर के पीछे पड़ा हुआ था, चाहे तो नोट कर ले, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इस नंबर पे आप कोई मैसेजेस नहीं करेंगे, करेंगे भी तो कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइव स्ट्रीम के दौरान खुलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा, सही है? सो नंबर है 03361111GFXM 111GFXM। सो बेसिकली GFXM आपके नम पैड पर चेक करें तो वो बनता है 4396, ठीक है? सो इट वुड बी माय नेक्स्ट नंबर एंड दैट्स इट। सो एनीवेज अरसलान भाई जी सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं भाई आप ये बताएं? फिलहाल तो सर पैकेजिंग चल रही है, पैकेजिंग डिज़ाइन, उसको
साइज लेना बताया उसमें, किस तरह हम साइज ले सकते हैं, प्लस होती क्या है, और उसके बाद डिफरेंट किस्म की बनाने की वीडियोस ला रहा हूँ, जैसे एक दो किस्म की बना ली, जैसे हमने पैकेजिंग बनाई, फिर हम अभी बॉटल का लेबल बनाएंगे, कल या परसों वीडियो आ जाएगी, उसके बाद चिप्स का पैकेट की लेबलिंग कैसे करते हैं, और एक दो और ऐसे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करके, तो फिर नेक्स्ट कुछ और करवाऊंगा। जबरदस्त। अच्छा, मुझसे ना कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि पैकेजिंग सिखाएं, ये सिखाएं, वो सिखाएं। तो अच्छा, मेरे चैनल पे मोस्टली जो है ना, मैंने टूल्स वगैरह ज़्यादा सिखाए हुए हैं, एंड जो ये सारी चीज़ें होती हैं उस पर मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ ना, मतलब मैं कोई ना कोई दूसरा कोर्स स्टार्ट कर लेता हूँ एंड उस वजह से चीज़ें रुक जाती हैं। बट यस, यही वजह है कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स को बेसिकली मैं पता है क्या कंसिडर करता हूँ कि आई एम नॉट अलोन, मैं मुझे अकेला फील ना हो, इसीलिए मैं आप सबको साथ लेके चल रहा हूँ, एंड इट्स काइंड ऑफ अ टीम वर्क। सो अगर मैंने टूल्स सिखा दिए तो उसके बाद आप जैसे हजरात जो हैं जो और बेहतरीन सी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि लाइक मुझसे थोड़ा सा बर्डन हट जाता है, एंड खैर मैंने अकेले ने कोई बेड़ा तो नहीं उठाया हुआ ना, मतलब आप लोग भी तो हैं, आप लोग नहीं सर, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो यानी कि हम स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट हर मंथ ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ई रोजगार में स्पेशली, तो वहाँ पे भी हम जब कोई टूल समय ना आ रहा हो और रात के 1:30-2 बजे मैसेज आया सर ये, तो हम आपकी ही क्लास पकड़ के उनको लिंक फॉरवर्ड करते हैं, ये देखो ये देखो। इसी तरह वो सब्सक्राइबर्स आए थे, सर आप फोटोशॉप की कंप्लीट ट्रेनिंग लाएं, इलस्ट्रेटर की कंप्लीट ट्रेनिंग टूल बता देंगे का, तो हम आपकी प्लेलिस्ट दिखा देते हैं, ये लें यहाँ से देखें, टूल सीख लें, उसके बाद अगर कोई चीज बनाना सीखनी है तो इस चैनल पे, फिर मेरे चैनल पे आ रहे हैं। जबरदस्त। सो अच्छा, आपका सबसे बेहतरीन जो आप समझते हैं कि कोर्स या वीडियो, वो कौन सी रही? कोर्स कह सकते हैं, एक छोटा सा, मैं छोटी छोटी सीरीज बनाता हूँ, पूरा कोर्स मेरे से नहीं बनता, ये कुछ अंदर वाला फंक्शन का मसला कोई मैं चाहता हूँ ट्यूटोरियल वाइज काम हो। सो मेरी ग्राफिक रिवर की है, उसमें मैंने बताया कि किस तरह आप लोग पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप कि क्वालिटी डिज़ाइन की बहुत अच्छी, आप अच्छे टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग आपके नहीं चल रही, तो आप इस तरह की वेबसाइट्स पे साइन अप करके यू गाइस कैन अर्न थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो उसमें मैंने अपना विद प्रूफ दिखाया है, और उसमें अवार्ड्स भी दिखाए हैं मैंने, जो डिफरेंट वेबसाइट्स से मैंने विन किए हैं, प्लस उसमें बताया भी है कि किस तरह मैं अर्निंग कर रहा हूँ और सारे चीज़ें, साइन अप और अपलोडिंग ऑफ लोगोस, बिजनेस कार्ड्स एंड टेम्पलेट्स, डिफरेंट चीज़ें। ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक चंद चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सा क्लियर करें। एक नया बच्चा और वो चाह रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे, ठीक है, क्या कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? अभी ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक नया बच्चा सबसे पहले तो ये चीज़ समझे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, कलर्स क्या होते हैं, उसके बाद शेप्स क्या करती हैं, उसके अलावा टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली हम टेक्स्ट को किस जगह प्लेस कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, ये पहले पता होनी चाहिए। मैं अब अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता तो मैं तकरीबन कोई पहले 1.5-2 हफ्ते या आप मंथ ही लगा लें, उनको यही चीज़ समझाता हूँ कि ये काम करना है, टूल्स की तरफ आते हैं, अभी आते हैं, तो अगर कोई बेसिक जानता हो तो फिर हम फोटोशॉप की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मेरा सिलसिला कुछ ये है कि मैं हमेशा से सबको ये कहता रहता हूँ कि स्टार्ट लें इलस्ट्रेटर से एंड देन फिर फोटोशॉप पे स्विच करें। उसका रीज़न है, मेरे पास एक बड़ा वैलिड रीज़न है, और वो ये है कि देखें, फोटोशॉप में हम डेफिनेटली चीज़ों को मैनिपुलेट वगैरह ज़रूर करते हैं, ठीक है ना, बट कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें खुद ड्रॉ करनी होती है, और वो ड्रॉ करने के लिए इलस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, देर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब फोटोशॉप में हमें वैक्टर डेटा लाना पड़ता है, लेकिन देर इज हार्डली एनी टाइम कि मैं इलस्ट्रेटर में काम कर रहा हूँ और मुझे फोटोशॉप से कुछ लाना पड़े, सही है? वही बात है कि अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो आप फिर वो उस मौके पर रुक जाएंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको कोई वैक्टर एलिमेंट ड्रॉ करके लेकर आने की, तो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि पहले इलस्ट्रेटर सीख लो भाई और उसके बाद फोटोशॉप पे आ जाओ। तो पहली बात तो ये है कि यार बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं ना कि इलस्ट्रेटर ज़्यादा अच्छा है या फोटोशॉप, तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार
कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं. मतलब आप एक पेंसिल को पेन से कंपेयर कर रहे हो ही नहीं सकता. दोनों का अपना अपना काम है. और अगर ये कंपेरेबल होते तो एक ही कंपनी बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो बना रही होती दोनों सॉफ्टवेयर. सही है ना, वो अपना कॉम्पिटिटर क्यों बनाएगी. तो यस, ये तो एग्जैक्टली है. अच्छा अरसलान भाई, जी ये सारी बातें तो होती रहेंगी. भैया जो यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि अरसलान साहब के चैनल का नाम क्या है, तो भैया डिज़ाइन एकेडमी के नाम से है. नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाएं सब्सक्राइब करें एंड देखें. बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी की वीडियो, मतलब मुझे मज़ा आता है इनकी वीडियो देख करके. एंड जो एक तो क्वालिटी कंटेंट है, ऑडियो इनकी क्लियर है, वीडियो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं अभी भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है. सो वो जो एक होता है ना कि बारीकियों का ख्याल रखना, वो ये रखते हैं एंड आई रियली लाइक दैट. ऑलराइट अरसलान भाई, कब से शुरू किया यार, और ये कैसे मतलब इस फील्ड में कैसे आके फंस गए? बेसिकली सर, मेरा जो शौक था ना वो एनिमेशंस का था. सो आई वाज अ स्मॉल एनिमेटर इन माय सिटी. तो वहां से मैंने जब मार्केट में एक्सेस किया, लाइक आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब कि मैं कुछ पार्ट टाइम करूं कॉलेज के बाद, तो वहां पर फिर मुझे एक दो शॉप्स मिली जो कि टीवी एड्स बनाती थी, ये लोकल टीवी एड्स जो टीवी के चल रहे हैं. तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें एनिमेशंस की ज़रूरत है, कि जो एक तो वो लोग करते थे कि वो स्लाइड्स बना देते पावर पॉइंट पे, स्लाइड्स बना के उसके बाद उन्होंने लगा देनी टीवी पे और वो चला देनी ऊपर, बोल देना सेल 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 और ये जूतों की दुकान. सो आई वॉज द वन जो अपने सिटी में एनिमेशंस लेके आया, टेक्स्ट की लेके आया, कार्टून करेक्टर बोल रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें. सो सबसे पहली जो मेरी जॉब थी एज एन एनिमेटर यहाँ पर, तो एक स्वीट्स की शॉप थी, वहाँ पर एक कार्टून अचानक आता है सामने और वो बोलता है कि हम मिठाइयाँ बेचते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं. सो अगर आपने विजिट करनी है तो हमारी शॉप विजिट करें, रॉयल स्वीट्स एंड सो ऑन. तो इस तरह की थी. तो देन लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, अच्छा ये एनिमेशन बना. तो फिर मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे हायर किया परसेंटेज पे कि जो भी एड पोस्ट आएगी वो 50% हम आपको देंगे. तो मैंने कहा चलें ठीक है. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो प्रिंटिंग हाउस था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका स्कोप नहीं है मेरी सिटी में, क्योंकि एक्सेस नहीं थी ना वहाँ पे, मैं किसी और सिटी में मूव कर पाता. तो मैंने फिर देखा कि वो एक जो हमारा बॉस था वो प्रिंटिंग का काम करता था, चीज़ डिज़ाइन करता था, प्रिंट के लिए भेज देता था. वो फ्लेक्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर कार्ड प्रिंट हो रहे हैं मशीन्स के ऊपर, और फिर डाई कट्स हो रहे हैं, उसके अलावा वो सिंगल कलर की और इस तरह की चीज़ें. तो वहाँ से इंटरेस्ट बना. देन मैंने कोरल ड्रा लर्न किया खुद से, तो क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता था कि लर्न कर पाऊँ कुछ. तो फिर कोरल ड्रा, फिर फोटोशॉप, एंड देन जब फ्रीलांसिंग का तरफ आया तो फिर इलस्ट्रेटर सीखा. तो फिर ये सारी जर्नी जो है मेरी स्टार्ट हुई. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा थोड़े से मैं कुछ जवाब दे दूं. ये एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर विल इट कंटिन्यू? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है इसको कंटिन्यू करने का. यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस की मेरी क्लासेस चल रही हैं, एंड नेक्स्ट मेरी यूएक्स की क्लास कब आएगी उसका मैं जवाब दे दूं कि एक दो दिन मुझे दे दें, मैं कुछ चीज़ों में बिजी हो गया था. एंड एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, बट यस आएंगी, कंटिन्यू रहेंगी और कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी. अब इसमें अगर मुझे 100 लोग भी आके देख रहे होंगे तो मैं फिर भी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा काम की है. क्योंकि अब फ्यूचर जो है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स का ही है बस. सो यस, डिज़ाइन वाला पार्ट डेफिनेटली मैं कवर करूंगा. कोडिंग मुझे नहीं आती तो मैं कोडिंग, सॉरी भाई मुझसे नहीं करना, कोडिंग के लिए कोई और बंदा ढूंढूंगा, फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि भाई इससे जाके सीख लो. रही बात और क्या है कि डिस्कॉर्ड सर्वर आप अपना बना लें, तो आई एम सॉरी भैया डिस्कॉर्ड मुझे आज तक हलक से नहीं उतरा. डिस्कॉर्ड मैं सिर्फ इतना यूज़ करता हूँ जो मेरा इम्मी वाला चैनल है उसमें जब हम गेम कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्कॉर्ड कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ. मैं ज़्यादा डिस्कॉर्ड का इतना बड़ा वो नहीं हूँ. अरसलान भाई आप बहुत ग्रेट हो, सही ज़बरदस्त. नहीं ये लोग बोल रहे हैं भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ. अरसलान अली एंड इमरान सर बोथ आर ग्रेट. थैंक यू फारिस. थैंक यू जी, थैंक यू. अच्छा जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न फोटोशॉप? अच्छा मैं बीच बीच में इस तरह से सवाल भी लेकर आता रहूँगा, तो आपसे जवाब चाहूँगा मैं.
हाउ लॉन्ग इट इज टेक. अच्छा वो यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कंफ्यूज कर देती हैं कि हम कितना देर लगाएं फोटोशॉप सीखने में या हमें कितनी देर लग सकती है. अक्सर स्टूडेंट्स भी यही आके पूछ रहे होते हैं. तो यार ये आप लोगों की डिपेंड करता है, लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर मैं कुछ सीखना चाहूँ तो वो मैं तो एक पूरा कोर्स डाउनलोड करूँगा और शायद मुझे वो एक रात में सारा मैं सीख लूँ, सारा मुझे पता लग जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा नॉलेज ऑलरेडी है. तो एज ए बिगिनर मुझे चाहिए, आपको लोगों को चाहिए कम से कम 3 से 6 माह तो लगाएं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कि एक टूल से काम करना आ जाए आपको कि ये टूल कर क्या सकता है, कितनी उसके अंदर से चीज़ें निकल सकती हैं, कितनी हम वैरायटीज उस चीज़ से तैयार कर सकते, उस टूल से तैयार कर सकते हैं. तो कम से कम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर 3 to 6 months अगर आप अपने साथ डिज़ाइनर का टैग लगाना चाहते हैं विद दैट स्पेसिफिक टूल, यूजिंग दैट टूल, तो फिर आपको कम से कम 3 से 6 माह उसके साथ प्ले करें, खेलें उसके साथ, उसको अपने साथ जरा इंगेज करें कि ये क्या चीज़ है, देन मजा आता है. अदरवाइज तो डिजाइनर तो सारे होते हैं. सही सही. नहीं मैं बता क्या, मैं ये हम हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम कभी भी कोई टूल अगर हम यूज कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे स्क्रू ड्राइवर, सही है, सबको यूज करना आता होगा, प्लायर्स हैं या रेंच हैं या ड्रिल मशीन है या सौ आरी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको दी जाएं तो आप यूज़ ज़रूर कर सकते हो. मैं भी कर लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं. अपनी ड्रिल मशीन मैंने जब ली थी बड़ा खुश हुआ था, ओहो मेरे पास ड्रिल मशीन है. सो लेकिन मैं अपने आप को कभी भी मैकेनिक या कारपेंटर नहीं कह सकता, क्योंकि मैं छोटे मोटे टास्क अपने घर में अगर मेरे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मैं कर लेता हूँ. बट अगर मुझे ये कहा जाए कि भैया ये है लकड़ी और इसको काट के एक अच्छा सा टेबल बना दो या एक खूबसूरत सी चेयर बना दो, तो आई एम सॉरी भैया मैं नहीं बना सकता. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं कारपेंटर नहीं हूँ. ना एक चीज़ याद रखिएगा कि इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्क्रू ड्राइवर या ड्रिल मशीन थे ना, ये टूल्स हैं. इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बात करें, दीज आर ऑल टूल्स. अब इससे बनाना क्या है, जिस दिन आपको वो समझ में आ गया ना, तब आप हैं ग्राफिक डिजाइनर. बस ये एक सिंपल सी डेफिनेशन अपनी जिंदगी में जो है ना, अपने आप लोग का दुपट्टा नहीं होगा, बस गिरा बांध लो. वो खवातीन कहती है ना, दुपट्टे में गिरा बांध देती ताकि ये बात याद रहे, या अपनी फिंगर पे एक धागा बांध दो, सारी सारी जिंदगी के लिए नहीं बांधना, कट जाएगी उंगली. बस ये दिमाग में गिरा बांध लो कि आप जिस दिन इस अचीवमेंट पर आ गए कि जी आपको पता चल जाएगा हाँ जी मुझे क्या बनाना है, आप ब्रीफ पढ़ें और ब्रीफ पढ़ने के बाद उसके ऊपर आप अमल करके वो चीज बना के दें जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और उसकी टारगेट ऑडियंस को अच्छा लगे. याद रखिएगा मैंने ये जो दो चीजें बोली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो क्लाइंट को अच्छा लगे हमें वो बनाना है. मैं इस चीज से बिल्कुल कतई तौर पर अग्री नहीं करता. हमें समटाइम्स क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ता है. सी अगर क्लाइंट को पता ही होता कि क्या बनाना है तो वो खुद ही बना लेता, वो हमारे पास आते ही क्यों. Exactly. So, अच्छा, but there are lot of times जब client खुद educated होता है designing में, ये वो clients होते हैं जो कि जैसे एक ad agency है, उसने outsource किया है किसी को, तो वहां पे हमसे बड़े creative बैठे हुए होते हैं. उनको educate करने नहीं बैठ जाना, ये जरूर देखना पड़ता है कि हम किससे डील कर रहे हैं. ठीक है, so yes, these are some very important इसीलिए mostly लोग जितने भी हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं और यूट्यूबर्स हैं स्पेशली, वो फोकस ही इस चीज़ पे कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन पे वर्क करें ताकि अगले बंदे की फीलिंग्स बाहर आ जाएं, अगला बंदा है क्या वो चीज़ बाहर आ जाए. सर जी एक सवाल अच्छा है, स्टिल वेटिंग फॉर सम अर्निंग, सो प्लीज लेट मी नो व्हिच इज द बेस्ट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म. अली हुसैन सबसे बेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि वो हर बंदे की प्रेफरेंसेस के लिहाज से अलग अलग हो जाते हैं, वो क्या कौन सा प्लेटफॉर्म प्रेफर कर रहा है. अब एज ए बिगिनर मैं प्रेफर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप फाइवर ज्वाइन करें, ठीक है, वहाँ पर आप गिग्स बना लें, इट्स जस्ट लाइक अ शॉप. अगर आप अपनी शॉप पे कुछ सामान रख के सेल कर रहे हैं तो एक बंदा आके वो परचेज कर रहा है और चला जाता है, ठीक है. अगर आप अपवर्क ज्वाइन करते हैं
तो उसमें आपको खुद कस्टमर के पास जाना पड़ता है। जैसे हम मार्केट में अक्सर बंदे हैं, वो अपनी एक प्रोडक्ट लेके आते हैं आपके पास, अरे जी ये हमारी प्रोडक्ट है, और वो एक प्रपोजल आपको देते हैं कि आप अगर हमसे ये बाय करेंगे तो आपको ये फायदा होगा इस तरह। तो ये दोनों में फर्क है, एक में आप अपनी शॉप बना कर रख लेते हैं, दूसरी जगह पे आप लेके जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को उसके पास। तो जो भी अब आपको बेहतर लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए बिगिनर फाइवर को प्रेफर करता हूँ। सही, मगर फाइवर बहुत कम पैसे नहीं देता स्टार्ट में? लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता रहता है। आप देखें, एक और मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने अपनी एक छोटे से कवर के लिए, जैसे फेसबुक कवर है या पॉडकास्ट कवर है, दे आर चार्जिंग $40 फॉर वन कवर, जो कि 5 से 10 मिनट का काम है। तो आप अपने आप को पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लें कि मैं फेसबुक कवर के $100 ले चुका हूँ। मैं खुद ले चुका हूँ सर। बस लोगो डिजाइन मैंने जब भी किया है तो मिनिमम $300 प्लस मोबाइल ऐप मैंने जो डिजाइन की है, मिनिमम जो मैंने की है वो $450 थी, और मैक्सिमम मैंने $2000। एंड ये $2000 वाला जो मेरा क्लाइंट था ना, ये उसके बाद मेरे पीछे लग गया था, और उसके साथ मैंने तकरीबन 2-3 साल तक काम किया था। उसकी पता नहीं कितनी सारी मैंने ऐप्स बनाई थी, और वो हर ऐप पे जो है, मतलब उसकी ऐप ये होती थी कि वो iOS पर एक तो होती थी, एंड मोबाइल और iPad दोनों के लिए। सो ये वो दौर था जब Adobe XD ईजाद नहीं हुआ था। तो फोटोशॉप पे, और ज़्यादातर जो मेरी ऐप्स थी वो बच्चों के लिए थी। तो उसमें एक और अच्छा मुझे खुद मज़ा बड़ा आता था कि वो जो स्क्यूमॉर्फिक डिज़ाइन जो होते थे ना, बड़े रियलिस्टिक से वुडन टेक्सचर आ रहा है और प्लास्टिक है, रबर है, ये सारे टेक्सचर्स के साथ खेल खेल के जो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, वो बड़ी अच्छी कलरफुल सी और बहुत ज़बरदस्त ऐप्स बनी थी। एंड स्टिल आई थिंक वो हैं, ऐप स्टोर पर हैं। एनीवेज, अच्छा ये एक सवाल आया है जो कि मैं चाहूँगा कि सर अब आप जवाब दें, मैं तो उसका कई बार जवाब दे चुका हूँ। सर, क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए क्रिएटिव माइंड होना ज़रूरी है? अब ऑब्वियसली इसका तो आंसर यही है। अब देखें, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो आते ही, जैसे वो एक हमारा स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी पढ़ के आया था पीछे से, और उसे पता ही नहीं था डिज़ाइनिंग का, लेकिन हमने फिर भी उसे ट्रेन किया। अब ट्रेन कैसे किया है कि उसको हमने दिखाई हैं चीज़ें कि ये देखो ये चीज़ डिज़ाइन ऐसी हुई हुई है, इसको ऐसे करना है, ये चीज़ कलर, कलर का ये मतलब है, ये रेड इसलिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम कस्टमर को ग्रीन क्यों दे रहे हैं। तो जब तक हम, कहने का मकसद ये है कि जब तक हम दूसरों का काम नहीं देखेंगे, जब तक हम उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग को नहीं देखेंगे, सुनेंगे नहीं और अपने अंदर उतारेंगे नहीं, तब तक आप क्रिएटिव ही नहीं हो सकते। सो ऑब्वियसली आप क्रिएटिव होंगे देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी होगी। जबरदस्त। अच्छा सर, एक सवाल आया था, एक सेकेंड। यार कहाँ चला गया सवाल भाई, रुके। बहुत ज्यादा क्वेश्चन गुजर जाते हैं अचानक। हाँ गुजर जाते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 1250 लोग हमें देख रहे हैं YouTube और Facebook मिला के। एंड यार आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो तो मुझे पक्का इतना तो यकीन है कि इतने सब्सक्राइबर्स अरसलान के चैनल पे जाने वाले हैं। जाओ यार अभी अभी पहले सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज जरा सवाल जो आप लोग कर रहे हैं, अच्छा एक चीज यार प्लीज, कुछ लोग जो ना ये कहते हैं कि सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो बजाय ये लिखने के कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप सवाल दोबारा लिख दिया करो, क्योंकि हम ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पाते, इतना सारे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना उसमें हम जाके ऊपर पढ़ नहीं सकते। अच्छा बहुत स्पीड में निकल रहे हैं, बहुत स्पीड में निकल रहे हैं। इवन दो कि मैंने तकरीबन जो है 90 सेकेंड्स का ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये कुछ कह रहे हैं, सर अरसलान ने अभी तक कंप्लीट फोटोशॉप का कोर्स ट्रेन कर दिया एंड इलस्ट्रेटर हाफ एंड सम अदर प्लेलिस्ट इंक्लूड ब्रांडिंग पॉडकास्ट एल्बम कवर आर्ट फाइवर एंड सो ऑन। थैंक यू अब्दुल कादिर ये चीज यहाँ मेंशन करने का। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, हाउ कैन आई इम्प्रूव योर डिजाइन। अहमद
دیکھیں امپروو کرنے کی جہاں تک بات ہے, یہ اس بات سے ارسلان بھائی بھی اتفاق کریں گے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. یو ہیو ٹو بی فوکسڈ, آپ کو فوکسڈ ہونا پڑے گا. دوسروں کا کام دیکھیں ضرور, چھاپے نہیں, مطلب اس کو کاپی نہ کریں, دیکھیں, اپریشیٹ کریں. میں ہمیشہ سے, یہ میری ایک ویڈیو تھی جس میں نے کہا تھا کہ ہاؤ ٹو بیکم کریٹو, اس میں نے کہا تھا کہ ڈیلی رات کو نا کچھ اچھے اچھے سے ڈیزائنس دیکھو. اگر ایک ہی ڈیزائن دیکھو خالی, اس کو 10 منٹ تک دیکھو اور یہ دیکھو کہ کیوں اچھا لگ رہا ہے. اور یہ جس دن آپ کیوں کو فوکس کرنے لگیں گے نا, تو آپ کے سامنے بہت سارے آئیڈیاز آنے لگیں گے. اور اس کو بس ایک بار دیکھ کر کے بند کر دو, مطلب 10 منٹ تک دیکھو, اس کے اوپر کریٹیکلی تھوڑا سا یہ دیکھ لو کہ یار اچھا مجھے اچھا لگ رہا ہے تو کیوں لگ رہا ہے. اچھا یہ کلر کی وجہ سے لگ رہا ہے, یا یہ فونٹ کی وجہ سے لگ رہا ہے, یا کمپوزیشن کی وجہ سے لگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے جو نا آپ کی میموری میں سٹور ہوتی جاتی ہیں. صحیح ہے. سو سب کانشیس برین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دوا لے لیں, یہ بہت کام کی دوا ہے. اچھا یار ارسلان جی, جی یہ بتاؤ آپ کی لائف کا سب سے بڑی اچیومنٹ کیا رہی؟ میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ, ایک تو میں اپنا گھر بنایا سر, وہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. ماشاءاللہ سر, میں کہتا ہوں یہ واقعی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اور سیم ہیئر, یہاں پر بھی یہی حال ہے. جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں نا, تو اس کی ایک الگ ہی لیول کی خوشی ہوتی ہے اور واقعی اچیومنٹ ہوتی ہے. سر ادر دین دس, کون سا بڑا پروجیکٹ کیا؟ سر 99 ڈیزائنز کا تھا, بیک ان آئی تھنک 2010 اور 11 کی بات ہے, کہ ایک کانٹیسٹ اینڈ ہونے والا تھا, کچھ گھنٹے رہتے تھے. سو میں نے $1,000 کا تھا وہ. سو میں نے میرے دوست نے لنک سینڈ کیا, یار ہو سکے تو اس میں کر لو پارٹیسپیٹ. اور میں نے کہا یار ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں کیا بنا کر دوں. سو میں بی کا لوگو تھا, اینڈ اٹ واز ریلیونٹ ٹو مارکیٹنگ کمپنی, ڈبلیو کا تھا یا پتہ نہیں بی کا تھا ایگزیکٹلی. تو میں نے بس بیٹھا ہے اور بیٹھ کے الیسٹریٹر میں 2-4 سمبلس بنا کے اپلوڈ کر دیے ڈبلیو کے ساتھ, یا پتہ نہیں بی تھا شاید, مجھے بھول گیا ایگزیکٹلی. تو ونر اناؤنس ہو گیا میں. اچھا میرے ساتھ ہوا تھا اسی طرح کا, چھکا پڑا تھا, اور وہ $1,000 کا نہیں تھا, لیکن ہاں $200 کا تھا. لیکن ہاں یار وہ جو ایک بالکل 11th آر پہ آپ جا کے اپلوڈ کرتے ہیں, اور آپ بالکل بددلی سے اپلوڈ کرتے ہیں, بالکل یار نہیں ہونا اس کا, کچھ نہیں ہونا, بس چلو ٹرائی مار لیتے ہیں. اور وہ سڈنلی وہ ایک جو کوئک والے جو ہوتے ہیں نا کانٹیسٹ, جس میں ٹائم زیادہ نہیں لگتا, وہ اس میں تھا. اور رات کو میں نے اپلوڈ کیا, صبح اٹھ کے دیکھا تھا لو جی $200 آ گئے آپ کے. میں نے کہا یار گڈ ہو گیا یہ تو. سو یس, اس طرح کی اچیومنٹس میں بڑا مزہ آتا ہے. اور سنائے سر کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں, مطلب یہ آپ پڑھانے کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ میں سر پہلے میوزک کا بھی شوق تھا, ابھی بھی ہے, لیکن پہلے تھوڑا پروفیشنلی لے کے چل رہا تھا. بیک ان 2013-14-15 کچھ سانگز ریکارڈ کروائے, اس کے بعد واپس آ گیا گھر, لاہور ہوتا تھا پہلے میں. تو پھر اس کے بعد کافی ہاتھ ٹھنڈا رکھا. آپ گاتے بھی ہیں؟ جی سر گاتا بھی. یہ تو مجھے نہیں پتا تھا, یہ کب ہوا؟ یہ سر کافی پرانی بات ہے, 2009-10 کی بات ہے. اوکے تو اب نہیں گاتے؟ اب گاتا ہوں سر, بس اب شوقیہ گاتا ہوں. پہلے اس کو ایز اے پروفیشن لے کے جانا چاہتا تھا, لیکن کچھ حالات نے ساتھ نہیں دیے, کچھ میں پیچھے ہو گیا. تو اب انسٹرومینٹس پڑے ہیں. آپ اگر آپ جیسے جب آپ میں بھائی ہوا یہ کہ میں جیسے ابھی یہاں آیا ہوں اس سیشن میں, ابھی ہم لائیو نہیں آئے تھے, تو یہ بھائی بیٹھ کے اپنا گٹار بجا رہے تھے. میں نے کہا واہ یار یہ مطلب سین ہو گیا. سر سانگ تھوڑا سا کچھ سنا دی. چل مین میڈ میکس آپ کا, یہ میں نے جو یہاں پر لگایا ہوا ہے, یہ سوال بہت سارے لوگ مجھ سے کرتے رہتے ہیں کہ یہ میں کون سی ویڈیو کالنگ ایپ یوز کر رہا ہوں. کوئی ایپ نہیں ہے, یہ ایک ویب سائٹ ہے streamyard.com. یہاں پہ آپ فری میں بھی کر سکتے ہیں. میرا پیڈ وہ ہے, اور یہ وجہ ہے کہ ٹاپ رائٹ پر جو ہے ایک لوگو آتا ہے, ورنہ ایک بطخ بنی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ والا کرتے ہیں, اگر آپ پیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگو نہیں آ سکتا. آپ اپنی برانڈنگ وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں, جو کہ میں نے اس وقت کی ہوئی ہے.
अच्छा जी सर, सुना दें कुछ, हो जाए। ओ नहीं सर, उठाएं गिटार। वैसे सुना है तो सर गिटार क्या? अरे यार प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पता है मुझे बड़ा फैसिनेशन होती है गिटार से, बड़ा दिल चाहता है कि गिटार बजाना सीखूं। एक दूसरे चैनल खोल लो यार, गिटार विटार सिखाओ यार। गिटार मैं सर अभी तकरीबन छोड़े हुए से काफी अर्सा हो गया, तो अब तो कई चीजें भूल गई हैं मुझे, और उस तरह के सुरीले सुर भी नहीं लगते अब तो। सर चले कुछ सुना दे, ऐसी गुनगुना दे। अच्छा सर आपकी फेवरेट कोई भी चीज उठा लें यार, गजल उठा लें, कोई कुछ भी सुना। नहीं आज मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सुन के जान लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला सर, मतलब महफिल लूट ली आपने तो। थैंक यू, जबरदस्त। मतलब यार ये एक बात है, आर्टिस्ट जो है ना हर एंगल में आर्टिस्ट होता है, मैं बेचारा सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग और इन्हीं चीजों में रह गया, पता नहीं क्यों। बड़ा दिल चाहता था कि मैं गिटार सीखूं, और सर वॉइस माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत प्यारी वॉइस। ये देखें ये लोगों का भी यही कहना, उफ व्हाट अ वॉइस सर। थैंक यू सो मच। जो स्ट्रीम में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जरा कोई फरमाइश अगर करनी हो तो कर लीजिएगा, आज इनसे दो एक्सेलेंट माशाल्लाह। सो अरसलान भाई जी सर, ये बताएं कि लोगो डिजाइन सही है जी, कितने अरसे में बंदा सीख सकता है? देखें आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। नहीं एक्चुअली ये सवालात मुझसे किए जाते हैं और आई थिंक आपसे भी शायद करते होंगे। मुझसे तो ये ऐसे भी मैसेजेस आते देखे मैंने जो मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ना ऑनलाइन फाइवर पे जाके अर्निंग करनी है, तो मुझे लोगो डिजाइन सीखना है। तो मेरा सवाल आगे से ये होता है कि भैया ठीक है सीख ले, कोई मसला नहीं है, क्या आता है पहले? कुछ नहीं। तो वो लोग, ये लोगों के दिमाग में शायद ये बैठा हुआ है कि लोगो डिजाइन ना कोई चार क्लिक करने पर हो जाता है। प्लीज सर मेरी हेल्प करें, इसको जरा डिफाइन करें, क्या प्रोसीजर क्या है लोगो डिजाइन का? सर लोगो बनाने के लिए सबसे पहले, मसलन अगर हम अभी GFX मेंटोर का लोगो बनाएं, सबसे पहले हमें उस कंपनी की हिस्ट्री जानना होगी, वो अभी तक कंपनी करती क्या आ रही है, ठीक है, उसका फोकस क्या है, वो अपने लोगो में या अपनी ब्रांडिंग में चाहती क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना होता है उस कंपनी में। अब फाइवर और इस तरह की वेबसाइट्स में हमारे पास वो एज ए डिस्क्रिप्शन आती है कंपनी की, और उसको हमने उसमें से फिर हमने कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना होता है, जो हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करके कंटेंट तैयार करते हैं, एक आइडियाज लेके आते हैं, और फिर हम उसे पेपर्स के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर अगर आप डिजिटली उसे लेके आ सकते हैं, इतने स्ट्रांग हैं आप मेंटली कि आप उसे अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली बना सकते हैं, तो भी ठीक है। लेकिन मैं या कोई भी डिज़ाइनर, स्पेशली जो लोगो डिज़ाइनर, वो प्रेफर करेगा आप पेंसिल लें और पेपर लें और उसके ऊपर जो भी जेन में आ रहा है आपके पास, फौरन उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के उन कीवर्ड्स को जो आपने एक्सट्रैक्ट किए उसमें से, वो बनाना शुरू करें, ठीक है। अब सम टाइम होता है कि हम काम इतना अच्छा देख लेते हैं कि हमारे लोगोज उनसे मैच नहीं कर रहे होते, वो स्टाइल नहीं, लेकिन वो जो आइडियाज आ रहे होते हैं वो यूनिक होते हैं और शायद वो जो कस्टमर है उसको पसंद करे, क्योंकि हम तो इंस्पिरेशन इतनी देख चुके होते हैं और हम खुद अपने आप को समझ रहे होते हैं नहीं ये इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन जो भी आपके जहन में आ रहा है उसको करें। देन आती है सॉफ्टवेयर की बारी, ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्च, पेंसिल पेपर वर्क और ये सारा पहले है, बाद में टूल्स आते हैं। ये सारी स्टोरी है कि सबसे पहले आप कंपनी को जान लें, वो क्या चाहती है, वो कर क्या रही है और क्यों कर रही है, देन आपके ज़हन में वो आएगी चीज। जबरदस्त। सो ये चीज जो है ना, मैंने पूरी एक लोगो डिजाइन की सीरीज बनाई हुई है, उसमें मैंने
کچھ اسٹیپس بتائے تھے اور تقریباً 8-10 ویڈیوز ہیں اس میں, اور ان ویڈیوز میں پہلے تو یہ بتایا کہ لوگو کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں اور کیا کب کون سا لوگو یوز ہوتا ہے, لوگو ہوتا کیا ہے یہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو نا اچھا نئے بچے جو پتہ ہے مجھے کئی بار پہلے ہمارا فیس بک پہ ایک گروپ تھا تو وہاں پر کچھ بھی بنا کے کہتے تھے کہ لوگو, وہ ایک گٹار بنا دیا میرا پہلا لوگو, کسی نے ایک ایپل بنا دیا میرا پہلا لوگو, کسی نے کچھ بھی بنا دیا ایکس وائی زی اینڈ دین لوگو. یار لوگو جو ہے ایک سمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے, اور سمبل بھی ضروری نہیں ہے, ٹیکسٹ بیس بھی ہوتا ہے جیسے جی ایف ایکس مینٹور. بالکل اچھا, مجھ سے کئی بار لوگوں نے کہا کہ سر یہ جی ایف ایکس مینٹور کا لوگو آپ چینج کریں, یہ سمپل سا ٹیکسٹ ہے. تو مطلب میرے ٹیکسٹ والے لوگوں پہ اعتراض ہے, ٹوشیبا, پیناسونک, گوگل, ان سب پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے ہو یار, کم آن. صحیح ہے, سونی, یس آف کورس. اینڈ یہ روڈ میرے سامنے کتنی ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جس پہ ایسوس کا لوگو جو ہے وہ صرف ٹیکسٹ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ صرف ٹیکسٹ اور ایک آئیڈینٹی. اچھا اب 3 سال گزار چکا ہوں میں جی ایف ایکس مینٹور کے ساتھ, میں نے اب اگر یہ لوگو چینج کیا نا تو میں برباد ہو جاؤں گا, لوگ پہچانیں گے نہیں, وہ لوگ بولیں گے کوئی فیک آ گیا, اینڈ دیٹ ول کریٹ اے میس فار می. سو آئی ایم گڈ ود دس اینڈ آئی اسٹل لو مائی لوگو اینڈ آئی ایم ویری مچ ہیپی ود دیٹ. جی ایف ایکس کا مطلب کیا ہے, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. جی ایف ایکس از اے شارٹ فارم فار گرافکس, ٹھیک ہے, اینڈ گرافکس اور ایف ایکس یوزلی یوز ہوتا ہے افیکٹس کے لیے, صحیح ہے, بٹ جی ایف ایکس اگر آتا ہے تو وہ گرافکس کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. اور مینٹور کا مطلب ہوتا ہے استاد, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہو گیا لوگو. سر چھوٹی سی چیز, جی سر, ایک ایسی چیز جس پر کئی مرتبہ لوگ نہیں سمجھتے, صحیح ہے نا, اینڈ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ ذرا سمجھائیں. کمپوزیشن کیا ہے, ایک ڈیزائن کے لیے کمپوزیشن کتنا اہم رول پلے کرتی ہے؟ سر ساری گیم ہی کمپوزیشن کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کیا آپ بتائیں سر, آپ خود بتائیں. اچھا چلیں سادہ الفاظ میں کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے, دیٹ از کمپوزیشن. لیکن اس میں جو چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کی آئی کا فلو, ایسے ہی ہے, آپ کی آنکھوں کا فلو, یعنی کہ جو آپ کا یوزر دیکھ رہا ہے آپ کے آرٹ ورک کو, وہ آپ کی چیزوں کو کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے, وہ آپ کی کمپوزیشن سے بہت بڑا افیکٹ کرتا ہے, صحیح ہے. اب اس میں رول آف تھرڈز بھی آ جاتے ہیں, ایک ہے گولڈن ریشو بھی, وہ بھی آ جاتا ہے, اینڈ اس کے علاوہ اور بھی کمپوزیشنز ہیں. لائک زیادہ تر جو کمپوزیشنز میں نے دیکھی جو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں, اینڈ دیٹ از رول آف تھرڈز, صحیح ہے. اینڈ یہ ہماری فوٹوگرافی میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, موسٹلی سر رول آف تھرڈ ہی یوز کرتے ہیں, اور اس میں بھی فوکس آئی فوکس ہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ سب سے پہلے کس چیز پہ پڑ رہی ہے. بالکل, اینڈ دین پھر آپ کے پاس بیلنسز آتے ہیں, اس میں سیمیٹریکل ہے, اے سیمیٹریکل بیلنس ہے, یہ ساری چیزوں کو ہم جب ملاتے ہیں نا تب کہیں جا کر کے ہماری ایک اچھی سی کمپوزیشن بنتی ہے. پھر اس میں کلرز کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کلرز کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اس چیز کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نا تو پہلی چیز, اگر آپ کپڑے لینے جا رہے ہیں تو پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ آپ کو سم ٹائمز کلر ہی کرتی ہے, اینڈ دین اندر جا کر کے آپ دیکھتے ہیں نہیں یار کپڑا اچھا نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں, بٹ پہلی جو ایک اپیل آپ کو دی تھی نا وہ کلر ہوتے ہیں. بالکل, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیزائن اچھا لگتا ہے اور پھر ہم اندر جا کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ یار اس میں اور کوئی کلر ہے, مطلب آپ کی الٹیمیٹلی جو چوائس آ رہی ہوتی ہے نا وہ آ کے رکتی ہے کلرس کے اوپر. تو کلرس آر ویری ویری امپورٹینٹ, تو کلرس کو تھوڑا سا ریسپیکٹ دیا کریں. ہر کلر ہر دوسرے کلر کے ساتھ اچھا نہیں لگتا, یہ بس دماغ میں رکھیے گا. اینی ویز ارسلان بھائی مزہ آ رہا ہے, بالکل سر مزہ آ رہا ہے. چلیں اچھا میں اب یہاں پہ جو نا کچھ لوگوں کے سوالات لے رہا ہوں, اور وعلیکم السلام جو سلام کر رہا ہے ان سب کو.
best channel to learn illustrator apne muh mein mit GFXMentor bhai GFXMentor नहीं यार और भी बहुत सारे हैं चैनल्स अब एग्जैक्टली मैं देखें इंग्लिश में बहुत सारे चैनल्स हैं इलस्ट्रेटर पे मुझे ये पता है एंड उर्दू या हिंदी में भी कुछ हैं बट मैंने कभी सर्च नहीं किया इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स तो कांट से एनीथिंग एक है जो पोर्ट्रेट्स बना रहा होता है चिल करके कुछ है अब उसको मैंने देखना छोड़ दिया ची 1-2-3 सर ची वर्ल्ड 1-2-3 ची वर्ल्ड ची वर्ल्ड 1-2-3-4 सो दैट गाय क्रिएट्स वंडरफुल पोर्ट्रेट्स वेक्टर और बहुत जबरदस्त काम कर रहा होता है अब ये देखें ये हुजैफा अहमद भाई हमें भी बता दो भाई क्या बताएं सवाल कहां है तुम्हारा क्या बताएं मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं देखें यहां बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड ह्यूमन है भाई हम लोग भी मिस हो जाते हैं हम अगर मिस कर जाएं तो आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कर दें हम बखुशी आपको जवाब देंगे लेकिन प्लीज ये जो लिखते हैं ना कि हमें भी बता दें या हमारे सवाल का जवाब दे दें इसका कोई फायदा नहीं होता अब मुझे दिखा तो सिर्फ ये दिखा सही है ये दूसरा एक और ये आधा सवाल फॉर फ्रीलांसिंग क्या करूं इसका मैं नहीं वो स्टेप स्टेप लिखते हैं सर पहले एक क्वेश्चन फिर अगले कमेंट्स में दूसरा फिर इस तरह एक लाइन में प्लीज अपना सवाल लिखें ताकि हमें पूरा सवाल तो दिखे ना कि हम किस बात का जवाब दें एंड ये थोड़ा सा हमारे लिए भी मसला हो जाता है आप देख रहे हैं GFXMentor फ्राइडे नाइट लाइव तो आइए स्टार्ट करते हैं सर ये ऑडियो कैसा बना ये जबरदस्त बना सर बहुत अच्छी एडिटिंग हुई है यहाँ लाइव आने से पहले मैं बैठ के यही खेल रहा था और मैंने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे इसको बनाने के लिए ऑनेस्टली क्योंकि मैं ऑडियो में इतना कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं एंड यार ये अच्छा सवाल है इमरान सर पैसिव इनकम का बता दें सर जी आप बताएंगे कुछ जी सर बिल्कुल ऐसे ग्राफिक डिजाइनर पैसिव इनकम जो है आप देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स लाइक ग्राफिक रिवर क्रिएटिव मार्केट फ्री पिक और इसके अलावा एटसी ये सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अपने ग्राफिक डिज़ाइन के टेम्पलेट्स बनाकर एक दफ़ा रखते हैं एंड देन वो रीसेल होते रहते हैं जस्ट लाइक अ स्टॉक तो वो इस तरह जैसे शटर स्टॉक है लेकिन वो वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत लो पे करती हैं इसलिए ये जो मैंने आपको बताई जैसे ग्राफिक रिवर वो 50% पे करती है न्यू सेलर को 50% खुद रखती है इसी तरह क्रिएटिव मार्केट है वो 60% देती है और 40% खुद रखती है और इस तरह द हंगरी जेपक है वो भी ऐसे ही करती है वो भी 60-40, 70-30 है वो बेसिकली लेकिन वो न्यू प्लेटफॉर्म है तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने छोटे छोटे टेम्पलेट्स बनाकर भी अगर रखते हैं तो आप मंथली हजारों में नहीं तो हंड्रेड्स में तो डॉलर्स में कमा ही सकते हैं अरसलान भाई ये जो जो चीजें आपने बताई हैं जरा मुझे बताते जाए मैं यहाँ पर बैनर चला देता हूँ एक तो आपने ग्राफिक रिवर बताया जी ग्राफिक रिवर है creativemarket.com जी इसके अलावा etsy.com है और etsy.com और इसके अलावा आप freepick.com सबकी फेवरेट सबको पता होगा फ्री चीजें डाउनलोड करने के लिए लेकिन वो जी जी स्पेलिंग क्या है फ्री pik या pik.com ओके ये भी अच्छे देते हैं पैसे हाँ जी सर ये भी आप कह सकते हैं कि पर $1,000 डाउनलोड्स पे आपको $4-3 बन जाते हैं और वो अगर आपकी चीज अच्छी हो तो वो तो मिलियंस में डाउनलोड चले जाते हैं ओहो ठीक है मेरा एक स्टूडेंट है उसका नाम मुदस्सिर है सनी वैसे शॉर्टकट है सर पहले ये मुझे लिस्ट बता देना ग्राफिक रिवर एटसी फ्री पिक और क्रिएटिव मार्केट creativemarket.com जी जी सारे .com सो भैया ये जो जो वेबसाइट्स इन्होंने बोली ये मैंने नीचे बैनर में चला दिए इन पे जा करके आप लोग पैसिव इनकम अच्छा पैसिव इनकम मैं आपको बताऊं होती क्या है पहले तो इफ्रा एक्सेलेंट क्वेश्चन बेटा फर्स्ट थिंग पैसिव इनकम वो होती है कि जिस पे आप एक बार इन्वेस्ट करते हो और फिर बैठ के कमाते रहते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अपार्टमेंट खरीद लिया और उसको किराए पे चढ़ा दिया
सही है. अब वक्त से वक्त के साथ साथ उस अपार्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही होती है एंड साथ साथ आपको किराया भी आ रहा होता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ आपकी इनकम जो है वो पैसिव इनकम, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं वहां से पैसे कमा के आपको मिलते जा रहे हैं. सही है, ये एक पैसिव इनकम की एग्जांपल है. नाउ हमारी इस ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में जो पैसिव इनकम है वो किस तरह से होती है कि आप आर्टवर्क बनाते हैं, इन वेबसाइट्स पर अपलोड करें, लोग वहां से परचेज करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे. दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग. एक और टिप, यूट्यूब. बट याद रखिएगा YouTube पे पैसिव इनकम हर एक के लिए नहीं होती. मैं आपको बताऊं किन किन चैनल्स के लिए होती है. वो चैनल्स जो एवरग्रीन हो, वो वीडियोस जो एवरग्रीन हो, एवरग्रीन मतलब कभी भी लोग उसको देख रहे होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जिसपे सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहा हूं मैं, तो वो ट्रेंडिंग वीडियोस सिर्फ उसी ट्रेंड के दौरान चलेंगी. ठीक है, या फॉर एग्जांपल टेक चैनल्स है, टेक चैनल में क्या होता है, एक नया मोबाइल फोन आया, आपने उसका रिव्यू दिया, वो वीडियो सिर्फ उसी दौर में चलेंगी जिस दौर में वो मोबाइल फोन आया है. उसके दो साल के बाद उस वीडियो को कोई नहीं देख रहा होगा क्योंकि कोई वो सर्च ही नहीं कर रहा होगा वो वाला फोन. लेकिन जैसे मेरा चैनल है या अरसलान भाई का चैनल है, हमारे चैनल पे क्या होता है, इलस्ट्रेटर सीखना है. अब 2017 में जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आज तक रैंक कर रही हैं और वो आज तक पैसे कमा के दे रही हैं मुझे. सही है, सो मेरे लिए तो पैसिव इनकम ही हो गई ना ये, मैंने एक बार मेहनत की और अब वो कंटिन्यूसली पैसे कमा कमा के दे रही है. ये होती है पैसिव इनकम. एंड यस, अगर इफ यू आर जस्ट अ डिजाइनर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर कोई यूट्यूब पर आ जाए, याद रखिएगा यूट्यूब पे आना है, आओ, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन एक लेवल पे आओ. लेवल से मुराद ये नहीं है कि बहुत हाई इक्विपमेंट आप लेकर आ जाओ, बहुत महंगा वाला, नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है भाई, उसकी कतई तौर पे जरूरत नहीं है. कंटेंट अगर है आपके पास, अच्छा कुछ अच्छी चीज है शेयर करने के लिए, तो आओ. सही है, बिल्कुल क्वालिटी वाली चीजें आप बनाओ, डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा. ओके जी, और कोई सवाल अच्छा वाला? सर अगर आपको भी कोई सवाल मिले तो बताए ना. Yes, एक रूल ऑफ थर्ड का पूछ रहे थे कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है. जी सर बताएं. ये मोस्टली हम फोटोग्राफी के लिए अगर कुछ टर्म यूज करें हम, तो मोस्टली हम इसलिए यूज करते हैं. और किसी भी इमेज को अगर हम कैप्चर करें उसको 9 डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 2 इस तरह और 2 इस तरह लाइन लगा के 9 डब्बों में कर लेते हैं. अलॉन्ग विद दोज लाइन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे या आप कह सकते हैं उनके मुताबिक रखेंगे तो वो एक आप कह सकते हैं कि इमेज अच्छी लगेगी. इन सिंपल वर्ड्स, अलोंग विद दोज लाइंस. तो आपने किसी भी इमेज को अगर लेना है तो, या आप स्पेशली कैमरा जब लेते हैं तो वहाँ पे हम ग्रेड ऑन कर लेते हैं, तो वो भी एक रूल ऑफ थर्ड के लिहाज से ही आप कह सकते हैं कि होता है. और इस तरह 3 लाइंस होती हैं और फिर इस तरह 3 लगा के तो 9 खाने बना दिए जाते हैं. तो उन 9 खानों के दरमियान जो अलोंग विद लाइंस ऑब्जेक्ट कोई भी खड़ा कर दिया जाए तो ये रहा. सर ने दिखा दी. सो यस, ये मैं आप जो बोल रहे थे ग्रेट एग्जांपल्स, बिल्कुल सर. सो विजुअली अगर हम दिखाते ना तो ज्यादा समझ में आता है. देखें होता ही है कि ये जो अरसलान भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, 9 बॉक्सेस. बेसिकली 9 बॉक्सेस क्या, बस ये दिमाग में रखें, 2 वर्टिकल लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जब आप किसी भी अपने इमेज पर डालते हैं तो ये आपके रूल ऑफ थर्ड. और ये आप लोगों को मैं मजे की बात बताऊं कि इवन आपके फोन के कैमरा में भी ऑप्शन होता है कि रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड ऑन कर दें. सो जब हम ये ग्रिड ऑन करके तस्वीर ले रहे होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि इन पॉइंट्स पर जो हमारा इनमें से कोई भी पॉइंट को हम फोकस कर लेते हैं. सो जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको फोकस किया हुआ है, जो मेन सब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर आ रहा है, दिस इज रूल ऑफ थर्ड. सो इसी तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है वो है, यहाँ पर भी देख लें, ये दरख्त इसी पॉइंट पर आ रहा है, एंड ये देख लें, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, एंड इसमें फायदा ये हो रहा होता है कि आपका जो फोकस है ना वो बड़ा अच्छा सा रहता है और बहुत ज्यादा हद तक. अब ये देखें, दिस इज समथिंग वेरी ब्रिलियंट, इसमें 2 पॉइंट्स और एक फ्लो, आई का फ्लो यहाँ पर कवर हो रहा है. सो यस, दीज आर सम वेरी
جینیس رولز اور بڑی اچھی سی کمپوزیشن آپ کی بن جاتی ہے. بالکل ایکسلنٹ کوسچن. اچھا جی سر, میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں, میں نے آپ سے کافی کچھ سیکھا ہے گرافک ورلڈ میں. تھینک یو, موسٹ ویلکم بچے. موسٹ ویلکم بچے کیا مطلب سر, یہی تو وہ ہر ایک کو بچہ بچہ بول کے نا ایک عادت سی چڑھ گئی. ڈرائنگ اسکلز ریکوائرڈ فار گرافکس. جی سر ارسلان بھائی بولیے. جی سر, ڈرائنگ اسکل از ریکوائرڈ فار گرافک. میں اگر اپنی بات کروں تو آئی ہیو نو لائک اتنی کوئی ڈرائنگ اسکل نہیں ہے میری, لیکن اگر کوئی کنسیپٹ بنانا پڑ جائے تو ہلکا پھلکا, جیسے ہم بچپن میں سیب وغیرہ بنا لیتے تھے پینسل سے, اور وہ شوق اتنا شوق ہو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ سارے موسٹلی ہم کام ڈیجیٹلی سافٹ ویئرز میں کر رہے ہیں تو کافی ہیلپ مل جاتی ہے جب آپ کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں. اگر میں فیئرلی اسپیکنگ کروں تو مثلاً اگر آپ کسی 100 پروجیکٹس کے اوپر آپ نے ایک منتھ میں کام کیا یا ایک سال میں کام کیا ہے تو اس میں شاید ہی کوئی 2-3% ہوگا ڈرائنگ کا یوز, اگر آپ ڈیجیٹلی کوئی کام یا ڈیجیٹلی گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو سارا کچھ پھر یہ ڈرائنگ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا تھا اور یہی کچھ ہوتا تھا پھر. بالکل. سو یہ بات میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, آپ کو ڈرائنگ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آتی ہے تو وہ پلس پوائنٹ ہے. پلس پوائنٹ ہے بالکل سر. ایسی صحیح ہے, سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں نا. آئسومیٹرک ڈیزائن کے لیے بیسٹ میتھڈ کیا ہے؟ آئسومیٹرک کے لیے گریڈ لگانی پڑے گی. دیکھو دیر آر ڈفرنٹ میتھڈس, ایک تو وہ آئسومیٹرک گریڈ بنا کر کے آپ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. اچھا میرے چینل پر میں نے ایک آئسومیٹرک کی ایکشنز دیے تھے, ٹھیک ہے, وہ جائیں ڈاؤن لوڈ کریں اور بنائیں آئسومیٹرک مزے سے. سو ایکشنز بنانا بتایا تھا کہ کس طرح سے بنے گا, اینڈ یس ضرور دیکھیے گا, وہ بہت کام کی چیز ہے, بہت مزیدار سی چیز ہے. آپ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پر ایک بڑی ایسی اچھی سی چیز شاید پتہ نہیں پہلے سے تھی یا مجھے اب دکھی ہے یا اب انہوں نے ایڈ کی ہے, آپ کسی بھی چینل پہ جاتے ہیں, ایک تو اوپر سرچ بار ہوتا ہے, صحیح ہے, چینل کے ہوم پیج پر جائیں, وہاں جہاں پر سارے اوپر ٹیبز آ رہے ہوتے ہیں وہیں پر آخر میں ایک سرچ کا آئیکن دیا ہوا ہے, وہ والا آئیکن پریس کریں, آپ جو بھی سرچ کریں گے وہ اسی چینل کی چیزیں سرچ کر کے دے گا آپ کو, صحیح ہے. سو جی ایف ایکس مینٹور پہ جائیں اور وہاں پہ اس, بلکہ میں دکھا دیتا ہوں, رکو 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 رکو, دکھانے بہتر ہے سر. سو یہ جیسے میرے چینل پہ آ گئے, یہاں دیکھیں جہاں ہوم ویڈیو پلے لسٹ کمیونٹی چینلز اباؤٹ, اور اس کے بعد یہ ایک سرچ کا آئیکن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے کلک کیا کرنا ہے, ٹھیک, اور کلک کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے آئسو میٹرک. یار اسپیلنگ غلط لکھیں گے تو نہیں ملے گا بھائی. تو یہ تھری ویز ٹو میک آئسو میٹرک یہ ہے, اور اس ویڈیو میں آپ کو تینوں طریقے مل جائیں گے دیکھ کر, جو آپ کو صحیح لگے بھیا وہ یوز کر لینا, ٹھیک ہے جی. اینڈ یپ دس وڈ بی کائنڈ آف ہیلپفل. اچھا ارسلان بھائی فلمیں دیکھتے ہیں؟ پہلے کچھ دیکھی تھی سر کچھ عرصہ, اس کے بعد چھوڑ دی, اب نہیں دیکھتا, انٹرسٹ نہیں رہا. تو بالکل بھی نہیں, مطلب کیا کرتے ہو فارغ ٹائم میں بھائی؟ فارغ ٹائم میں گیم کھیل لیتا ہوں سر, یا گانا شانا, یہی میوزک وغیرہ تھوڑا بہت. گیم کھیل لیتے ہیں جی. کون سا گیم کھیل رہے ہیں؟ میں تو پب جی موبائل کھیلتا ہوں یا کال آف ڈیوٹی. میں تو ایون کی شرٹ بھی کال آف ڈیوٹی کی پہنی ہے. اگر آپ دیکھیں لگتا گیمر ہے بھائی, بھائی زبردست. اچھا میں نے پب جی فار موبائل ڈاؤن لوڈ کیا اور کوشش کی کھیلنے کی, اور ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو ان انسٹال کر دیا. اس کا ریزن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ موبائل فون میں فرسٹ پرسن شوٹر گیم کھیلا کیسے جائے. اسے مجھ سے بھی نہیں کھیلے تو میں تو اسے ایمولیٹر پہ انسٹال کیا سسٹم. ہاں ابھی تو کیونکہ میں یہ جو میرا چشمہ ہے یہ قریب کی نظر کا ہے,
ये लगाने के बाद भी मनहूस कुछ नहीं दिख रहा था मुझे या तो मैं कोई बड़ी टैबलेट पे खेलूं समझ में आता है ये तो, सर आजकल ई स्पोर्ट्स और ये जो इतने हो रहे हैं मैं तो लाइक खुद हैरान हूं कि ये सारे मोबाइल पे प्लेयर्स खेलते हैं और दे आर अमेजिंग वो तो हमसे ज्यादा क्रिएटिव है मैं तो ये कहूंगा हाउ दे आर हैंडलिंग सो मच फंक्शंस ऑन द स्पेसिफिक गेम एग्जैक्टली सो मेरे लिए तो काफी डिफिकल्ट था भाई हाँ बाकी गेमिंग कंप्यूटर वाली दोबारा शुरू की है बहुत अरसे के बाद और आजकल जो गेम अच्छा लग रहा है वो वैलोरेंट है सर कभी आए वैलोरेंट खेलते हैं साथ में ठीक मेरा जो दूसरा चैनल है इमी उस पर मैं यूट्यूब गेमिंग कभी कभार कर रहा था और मैं मजे के बाद मैं अपना सर्वर बना के कभी भी किसी को ऐड नहीं किया मैं इनफैक्ट इरफान जुनेजो के साथ कई बार खेला है वो खेल रहे थे तो कॉल आया थी खेलने मैंने कहा चलो खेल लेते मैं हूँ आमिर भगत है इरफान जुनेजो है हमजा इब्राहिम है हम लोग सारे के सारे वहाँ पे वैलोरेंट खेल रहे थे तो वो जब वो अपनी स्ट्रीम कर रहा था मैं अपनी स्ट्रीम कर रहा था एंड मजा आता है अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब पूछ रहे हैं डिजाइन थ्योरी के बता दें अब इतना वेग क्वेश्चन है अब आप ही बताएं भाई मैं नहीं बता रहा अब कहां से शुरू करें सर अब डिजाइन थ्योरी शुरू करें मुझे क्या पता अगले ने पूछा है तो इसी उसको जैसा सवाल है वैसे जवाब दे दें चलें ठीक है सर अब इन सिंपल वर्ड्स अगर आप जल्दी लर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कलर्स के बारे में जानना शुरू करें कि कलर्स क्या चीज है और कौन सा कलर क्या इफेक्ट देता है उसके बाद आप जो डिफरेंट शेप्स यूज करने जा रहे हैं जैसे स्क्वायर है और वो किस किस्म के डिजाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेलिवेंट टू ट्रस्ट है तो हम मोस्टली शेप्स किस तरह के यूज करेंगे हार्मनी और इसके अलावा सर्कल्स हो गए जिसके लिए ट्रायंगल्स क्यों यूज करते हैं हम कोई स्पीड अप चीज दिखानी हो कोई शार्प चीजें दिखानी हो तो हम ट्रायंगल इस तरह की चीजें इस तरह की थ्योरी पर वर्क करें तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा ऐसे कि अच्छा कौन सी शेप हम किस डिजाइन के ऊपर सूट कर सकते हैं देन हम टेक्स्ट की बारी आती है फॉन्ट्स जिसे कहते हैं किस स्टाइल किस डिजाइन के ऊपर कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा और फिर हम इसके टाइप पढ़ते हैं कि सेरिफ क्या होता है सेंस सेरिफ क्या होता है स्क्रिप्ट क्या होता है डिस्प्ले फॉन्ट्स कौन से होते हैं फिर इनके कंट्रास्ट हैं कलर्स के भी इसके अलावा टेक्स्ट और फॉन्ट्स वगैरह के भी कि मोटे के साथ पतला करेगा तो क्या चीज़ होगा ठीक है सेरिफ के साथ सेंस सेरिफ लगाएंगे तो क्या इफेक्ट देगा तो इस तरह ये सारी डिज़ाइन थ्योरीज हैं प्लस अगर आप बोनस है कि अगर ड्राइंग सीख लें तो वो आपके लिए और चीज़ें आसान हो जाएंगी कि आप अपने दिमाग में जो फ़ौरन आइडियाज़ आते हैं किसी चीज़ को देख के किसी चीज़ को पढ़ के तो वो हम फ़ौरन पेपर पे उतार लेंगे उसको मिनिमल तरीके से कम कंडीशन में कि वो किस तरह दिखेगी अगर हम इस तरह कोई चीज़ डिज़ाइन कर लें और अब वो कुछ भी हो सकता है लोगो नहीं है फ्लायर बनाना वो भी हम पहले उसका सारा मैप तैयार कर सकते हैं जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं वो चीज़ सारी डिज़ाइन करके तो पेपर के ऊपर फिर हम उसको अपने डिजिटली अपने टूल्स के ऊपर लेके आ सकते हैं तो ये सारा प्रोसेस होता है और डिज़ाइन थ्योरी के अंदर ये चीज़ें तो होनी चाहिए मेरे लिहाज से सर जबरदस्त सो आई थिंक अर्शन आपके चैनल पे है डिज़ाइन थ्योरी नहीं सर मैंने सीधा ट्यूटोरियल्स ही पढ़ाए हुए चलें ठीक है मेरे चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट है ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी की जाकर के देखें और बहुत सारे और चैनल्स हैं सब जगह हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैंने ही बताई है बहुत सारे लोगों ने बताई है एंड देर आर सर्टेन रूल्स और आई मीन प्रिंसिपल्स एंड देर आर सर्टेन एलिमेंट्स सो मेरी जो क्लासेज हैं उसमें भी आपको स्टार्ट मैंने लिया था एलिमेंट्स पहले एलिमेंट्स समझ में आ जाएंगे कि आपको कि क्या क्या होते हैं एंड देन उसके बाद आप जा करके उसमें प्रिंसिपल्स सीखेंगे और मैंने प्रिंसिपल्स जब पढ़ाए तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स शो किए हैं कि लाइक पोस्टर्स में किस तरह से क्या क्या रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं ठीक है ना तो वो देखेंगे आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा मुझे सर शुरू से ही डिज़ाइन थ्योरी बोर लगती तो इसलिए मेरा फोकस है सारे चीज़ें बनाने पे बनाने के दौरान मैं बता देता हूँ अक्सर चीज़ें कि ये हम इस तरह इस रूल को अपनाएंगे तो ये इस तरह करेंगे तो क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है अब आप थ्योरी की बात करें तो लेकिन मोस्टली लोगों का होता है कि बस बना लें हम फटाफट तो मैं भी उसी कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ चैनल पर ये चीज़ें बनाना सिखा दूँ आपको सही अच्छा ये और बाप कह रहे हैं इज इट कंपलसरी टू लर्न एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर मींस इफ आई वांट जस्ट बिजनेस कार्ड्स बैनर्स लोगो एटसेट्रा सो एडोबी इलस्ट्रेटर इज इनफ काइंडली आंसर काफी बार रिपीट कर चुका हूं मैं देखें कर दूं सर
बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अकॉर्डिंग टू मी के कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. मैं जितने भी मोस्टली कस्टमर्स के साथ आज तक फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में काम कर चुका हूँ उसमें मोस्टली कस्टमर आके लोगों के लिए वेक्टर फाइल मांगता है, जबकि अगर बिजनेस कार्ड या कोई फ्लायर बना रहा हूँ तो वो मुझसे एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो आके मुझसे पूछता है इसकी PST फाइल मिल जाएगी. तो वहाँ पे फिर हमें कंडीशनली स्पेशली कि कस्टमर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है वो उससे पहले पूछ सकते हैं हम, ठीक है ना, बजाय कि हम अपने लिए अगर बना रहे हैं तो वो तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना लें, Adobe Illustrator इज फाइन, लेकिन जब आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं फिर वहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि जी आपको कौन सी फाइल चाहिए. जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम पहले ही उससे पूछ लेते हैं फाइल फॉर्मेट्स कौन सी चाहिए आपको, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम फोटोशॉप में काम करें या Illustrator में काम करें. उसके अलावा मेरे लिहाज से आप दोनों सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ काम से तो इस तरह के चीजों के लिए दोनों चीजें आना ज्यादा बेहतर है. गुड गुड गुड. सो मैं भी ये कहूंगा भैया कि एक आध खाना आप छोड़ क्यों रहे हो, कहने का मकसद ये सही है ना. मिसाल के तौर पे अगर आप टेबल लेकर आते हो तो कुर्सी भी ले ही लो यार. क्यों अगर मैंने टेबल ले ली, ठीक है आपके पास स्टैंडिंग डेस्क है, वो एक आपने आप देखी होगी आजकल ऊपर नीचे हो जाती है, आप वो ले आए, आपने कहा कि जी मैं खड़े रहकर ही काम करूंगा, तो भैया एक साथ में चेयर भी ले, कभी कभी बैठ के भी काम कर लेना. सो इसीलिए इलस्ट्रेटर जहाँ सीख रहे हो तो फोटोशॉप भी सीख ही लो. ये जरूरी नहीं है कि फौरन फौरन सीखो. वंस आई बिलीव कि अगर आप इलस्ट्रेटर पे कामयाबी से अपना हाथ जमा लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप देखें दूसरे दरवाजे खुले हुए, फोटोशॉप का दरवाजा भी है भाई, उसको भी जरा नॉक करके देख लो, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा. ओके ये शायद मेरे लिए है. सर UI UX का बताएं मोबाइल एप्लीकेशन और वेब डिजाइन में. आई नीड टू डिजाइन दैट बट हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर वी आर लैकिंग इन UX दो UI इज ग्रेट प्लीज आंसर. अली हुसैन, मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे सीरीज शुरू कर दी है, यूजर एक्सपीरियंस की थियोरीज ही पहले बयान कर रहा हूँ और उसके बाद मैं UI डिजाइन पर आ जाऊंगा और UI डिजाइन के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो दैट वुड बी Adobe XD. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड GFX मेंटोर पे. ओके ये सर ग्रिड यूज करना आसान है या बेवल एंड डिस्टॉर्ट यूज. हमजा ये सवाल आधा है, मैं समझा नहीं. Grid is something else, bevel and bevel is something else, distort is something else. बिल्कुल ये तीन अलग अलग चीजों के नाम ले रहे हो और आप इनको कंपेयर कर रहे हो, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि क्या है ये. अच्छा जी, ये एक अच्छा सवाल है. ब्रांड गाइडलाइन में क्या क्या होता है? ब्रांड गाइडलाइन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ. उसमें आपका कलर, टेक्स्ट, उसके बाद लोगो, लोगो की प्लेसमेंट, लोगो के इर्द गिर्द स्पेसिंग, लोगो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, आपकी कंपनी की इमेजेस तक हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि आपने कौन सी इमेजेस यूज की हैं. इसके अलावा स्टेशनरी के रेलिवेंट है, उनके साइजेस हैं, उनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मॉकअप्स हैं डिफरेंट, किस किस जगह पे हमारा लोगो अच्छा लगेगा, कैसे कैसे हम उसको प्लेस करवा के दिखाएंगे, तो ये सारा कुछ हम अपनी ब्रांड गाइडलाइंस में बता सकते हैं. और इसकी मैंने सीरीज बनाई हुई, अगर आप जाके चेक करना चाहें मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, उसमें मैंने पूरा बताया कि ब्रांड, ब्रांडिंग और ब्रांड गाइडलाइंस ये क्या चीज़ें होती हैं. बकायदा लाइव एक वीडियो भी है उसमें कि मैं लाइव बता रहा हूँ लोगों को, लोगो बना के, तो ये सारी चीज़ मौजूद है. अच्छा इकरा जेब, आपका ये सवाल आई थिंक मैंने शाम में भी देखा था फेसबुक पर जब मैंने ये पोस्ट शेयर की थी कि हम लाइव आ रहे हैं. इकरा पहली बात तो मुझे 3D माया वगैरह के सॉफ्टवेयर नहीं आते और मेरा कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन एक चैनल मैंने काफ़ी अरसा पहले शेयर किया था सबसे, एंड दैट इज़ एनी मेंटोर, ANIMENTOR, सही है, लाइक जैसे GFX मेंटोर है वैसे एनी मेंटोर. बहुत एक्सेलेंट सिखाते हैं और ही इज़ वन ऑफ वेरी वेल नोन पर्सन, नाम उनका डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनकी जॉब की वजह से, एंड बट वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, जाके जरा देखिए उनका चैनल ANIMENTOR एनी मेंटोर, एंड होपफुली आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा. ओके व्हाट इज आइडियल डिजाइन, बताओ यार अब इसका जवाब. देखें पहले समझ ले व्हाट इज डिजाइन,
मैं सर लेट मी आंसर दिस आई वुड लव टू आंसर दिस थिंग सबसे पहले तो ये समझ लें रहमान के डिज़ाइन क्या है मेरी जो थ्योरी की क्लासेस हैं उसमें पहली क्लास जो थी व्हाट इज डिज़ाइन तो ये पहले समझना ज़रूरी है डिज़ाइन बेसिकली एक सोल्यूशन है किस चीज़ का सोल्यूशन किसी भी चीज़ का फॉर एग्जांपल मैंने उस वीडियो में एक एग्जांपल दी थी चेयर की सही है ना कुर्सी इटसेल्फ एक डिज़ाइन है बट ये क्या पहले दिन से ऐसी थी नो जब इंसान चल फिर के थक गया होगा तो वो किसी पत्थर पे बैठा होगा सही है दैट वॉज फर्स्ट चेयर और उसके बाद उसको अनईजी फील हुआ होगा तो उसने कोशिश करके उसको फ्लैट सरफेस किया होगा उस पर बैठना शुरू किया होगा फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा और ख्याल आया होगा कि इसको थोड़ा ऊंचा होना चाहिए तो उसमें पाए लगा दिए फिर उसके बाद और ख्याल आया होगा तो उसके बैक रेस्ट लगा दी फिर हैंड आर्म रेस्ट भी लगा दिए ये पूरी डिज़ाइन एवोल्यूशन है सही है सो बेसिकली डिज़ाइन क्या है एक सोल्यूशन है सही है अब हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आता है कि जी उसको अपनी कोई प्रोडक्ट है वो प्रोमोट करनी है मिसाल के तौर पे ये माउस है उसको प्रोमोट करना है अब उसको प्रोमोट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा पोस्टर ब्रोशर वेबसाइट फेसबुक की पोस्ट इंस्टाग्राम की पोस्ट ये सारी पोस्टें हर एनवायरनमेंट के लिहाज से आपको डिज़ाइन करनी पड़ेंगी सो इंस्टाग्राम के अपने रूल्स हैं फेसबुक के अपने रूल्स हैं प्रिंट के अपने रूल्स हैं ये सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा सोल्यूशन साथ साथ ऐसा कि जो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो सही है एंड उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए पहले तो ये चीज़ दिमाग में रख लें कि डिज़ाइनर और फाइन आर्टिस्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हम अगर ये सोच के बनाते हैं कि यार ये जो मैंने बनाया ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये डेफिनेटली इसको भी अच्छा लगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि आपकी या मेरी चॉइस की कोई औकात नहीं है नो वन केयर्स अबाउट आवर चॉइस एवरीबडी लुक फॉर समथिंग जेनेरिक सही है जैसे ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ आर्ट फिल्म होती हैं आर्ट मूवीज़ और एक कमर्शियल मूवीज़ होती हैं कभी आपको सलमान खान या शाहरुख खान आर्ट मूवीज़ में नहीं दिखेंगे सही है लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि आर्ट मूवीज में आते हैं वो बड़ी सीरियस सी होती है और वो एक आर्ट का पीस होता है वो सिर्फ आर्ट मूवीज देखने वाले ही पसंद करते हैं वो कमर्शियल मूवीज नहीं होती है सो इसी तरह से ये हमारी जो डिजाइनिंग है ये कमर्शियल डिजाइनिंग है इसको आर्ट से थोड़ा सा अलग रखें आर्ट आप अपने लिए बनाते हो कमर्शियल डिजाइन दूसरों के लिए बनाते हो अब दूसरों की चॉइसेस कैसे पता चलेंगी भैया उसके कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो कर लो कहानी ख़त्म यार सो वो जो डिज़ाइन थ्योरी है उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें फिर रिसर्च करें थोड़ी हो जाता है मसला हल सही है ये कहना कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा है तो मैं सिंपली ये कहूँगा आइडियल डिज़ाइन वो है जो कि पर्पस को फुलफिल करे दैट्स इट जी सर आपका क्या टेक है इस पर जो सर आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया मैं तो डिज़ाइन को बेसिकली एक छोटे से ही फिक्र से मुकम्मल करूँगा कि डिज़ाइन को समझें कैसे इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इट्स ठीक है आप ग्राफिकली मतलब किसी चीज़ के थ्रू की दिखने वाली चीज़ के थ्रू आप अपने चीज़ को अगले के दिमाग तक पहुँचा दें आँखों तक पहुँचा दें यानी कम्युनिकेट कर लें किसी तरीके से वो हम डिज़ाइन कह सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन कह सकते हैं सो इट्स अ विजुअली आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए हम ग्राफिक डिजाइनिंग को यूज करते हैं सर जी ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं जो अभी आया है इसका आसान यही जवाब है अगर आप लोकल मार्केट में काम करना चाहते हैं जैसे मैं पहले करता था प्रिंटर्स वगैरह के पास या किसी प्रिंटिंग हाउस में तो कोरल ड्रा सीख लें और अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो अडोबी इलस्ट्रेटर क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही सॉफ्टवेयर मशहूर है और पॉपुलर है और यही लोग डिमांड करते हैं कि इसकी सोर्स फाइल दें अडोबी इलस्ट्रेटर की .ai तो अगर आप में से कोई भी लोग जो है मोस्टली फ्रीलांसर्स बैठे होंगे यहाँ पे तो उनको भी पता होगा कि वो AI फाइल ही मांगते हैं वेक्टर की तो कोरल ड्रा की फाइल बड़ी रेयर है और पाकिस्तान में अगर काम करना है या इंडिया में काम करना है लोकली तो कोरल ड्रा सही मैं खुद कोरल ड्रा में बहुत अरसा काम करता रहा हूँ जब मैं लोकली काम करता था कस्टमर्स के लिए मैंने बड़ी लड़ाइयाँ की है पता है कोरल ड्रा
فری اینڈ سے شکر ہے جان چھوٹی ختم ہو گیا لیکن کورل ڈرا سے جنگ چلتی رہتی ہے سو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوکل مارکیٹ کے لیے ہم نے کام کیا اور آگے سے جو پرنٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ الیسٹریٹر کی فائل نہیں چلے گی ہمارے پاس تو ٹھیک ہے اب میں ایٹیٹیوڈ میرا اسی وقت سے تھا ٹھیک ہے آپ سے پرنٹنگ کرا رہا جو کرے گا اس سے کرا لوں گا اچھا اچھا لاؤ یار کرتے ہیں کچھ کورل ڈرا میں بھی سر ایک اور چیز ہے وہ کورل 9 یوز کریں آج بھی ویسے چل کون سا رہا 2020 ورژن آ گیا اس کا وہ بالکل مد مقابل چل رہا ہے نا اڈوبی کے ساتھ ساتھ وہ کمپٹیشن بنا رہے ہیں بیسیکلی ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو فیچرز کورل ڈرا میں پہلے آ گئے تھے جیسے وہ راؤنڈ کارنرز والا تھا وہ الیسٹریٹر میں بڑی بعد میں آیا ہے وہ پہلے ہی موجود تھا کورل ڈرا میں تو اس طرح کی چیزیں وہ ایک دوسرے سے کاپی کر رہے ہیں جیسے اب کورل نے ان کا انٹرفیس اٹھایا ہے ڈارک ہو جاتا ہے اور لائٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح چیزیں ہیں اچھا عائشہ پہلے تو آپ اپنا جینڈر جو ہے نا صحیح کر لیں تم پتہ نہیں لڑکا ہو لڑکی ہو سر عمران میں موشن گرافکس اور اینیمیشن کے لیے 300,000 PC بنوا رہا ہوں 300,000 PC کس کے لیے بنوا رہے ہو یا 300,000 کا پی سی بنوا رہے ہو صحیح ہے یہ صحیح ہے کیونکہ میں فری لانسر ہوں بھیا تم 300,000 کا کیوں 1,000,000 کا بنوا لو یہ مسئلہ تھوڑی ہے آپ کو کون روک رہا ہے بیٹا سمپل سی بات ہے کہ مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا نا کہ پی سی کے لیے بیسٹ پی سی بتا دیں تو میں سمپلی یہ کہتا ہوں بھیا جو تمہاری جیب میں ہے جو تم افورڈ کر سکتے ہو اس کا لے لو یہ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھا ایک بڑا عجیب سا سوال آتا ہے سر میرے پاس جو ہے بجٹ 30,000 کا ہے 30,000 کا ہے اور مجھے ایک ایسا پی سی بنوانا ہے کہ جس پہ میں گیمنگ بھی کر لوں اور 4K ویڈیو بھی ایڈٹ کر یار نہیں ہو سکتا نہیں ہو دیر از آلسو اے کوئسچن میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو میں موبائل سے گرافک ڈیزائننگ کر سکتا ہوں ہاں مجھ سے پتا ہے فوٹو شاپ کی یا الیسٹریٹر کی ویڈیوز پہ یہ سوال آتے ہیں سر یہ موبائل فون پہ انسٹال ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا یار نہیں ہوتا بھائی اوکے اچھا جی غلام نبی صاحب میں عرفان جنیجو تو ہوں نہیں جو مجھ سے تم ولاگنگ ٹپ مانگ رہے ہو صحیح ہے ارسلان بھائی آپ ولاگنگ کرتے ہیں کیا سر میں نے زندگی میں ایک ولاگ شوٹ کیا اور وہ میرے پی سی میں سیو پڑا ہاں زبردست وہ اپلوڈ نہیں ہوا نہیں وہ نہ ہی ہوتا تو اچھا غلام نبی دیکھیں آپ کا سوال غلط نہیں ہے لیکن ولاگنگ میں میں ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دے سکتا ہوں بی یور سیلف کچھ اور کسی اور کو بن کے آپ اپنی ویڈیوز بناؤ گے نا تو وہ اٹریکٹ نہیں کریں گی میں صرف یہ ایک ٹپ دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے ولاگنگ کبھی بنائی کی نہیں ہے لیکن ولاگرز کو دیکھا بہت ہے تو وہ ولاگرز جو کسی اور کو کاپی کرتے ہیں وہ پہلی فرصت میں فیل ہے میری نظر میں سو ایک بچہ اس میں ٹیلنٹ کافی تھا اور کافی اچھی ویڈیوز بنا رہا تھا بٹ اس کو اس کی پہلی ویڈیو میں نے دیکھ کر کے اس کو میں نے الگ سے اس کو میسج کیا تھا کہ بیٹا عرفان جنیجو دکھ رہے ہو تم عرفان جنیجو نہیں ہو تم ہو صحیح ہے عرفان جنیجو ہے اگر تم اسی کو کاپی کرو گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو لوگ نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ وہی کانٹینٹ بنا رہے ہو جو عرفان بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے بہت سارے لوگ کیسی نائسٹریٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پیٹر میکینن کو فالو اب میں اگر میرا اپنا اسٹائل ہے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں صحیح ہے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں مجھے شروع میں کہا گیا کہ ایک انڈین ہے ٹیک یوٹیوبر جن کا ہے چلیے شروع کرتے ہیں کیا نام ہے ٹیکنیکل گرو جی یس ٹیکنیکل گرو تو وہ ہے ان کا چلیے شروع کرتے ہیں صحیح ہے میرا آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے دس از مائی پرسنل تھنگ اچھا مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ یار یہ آلریڈی کوئی اس طرح کی باتیں بول رہا ہے مجھے کئی سارے لوگوں نے میں نے جب بتایا کہ آپ اس کو کاپی کر رہے ہو تو میں نے جا کے دیکھا اور میں نے کہا او یہ کیا ہوا ہے تو اس سے پہلے تو میں جانتا بھی نہیں تھا ان کو بٹ یہ چیز اگر آپ اپنے دماغ سے کچھ لے کر آتے ہیں تو ضرور کریں ولاگنگ بائی دا وے ایک غلام نبی چھوٹی سی ایک بات بتا دوں ایک اور ٹپ 2021 میں ولاگنگ فیل ہو چکی ہے یہی میں کہنے والا سر اب کوئی ولاگنگ کر نہیں رہا ذرا دیکھ لیں جا کے یوٹیوب پہ جتنے ولاگرز ہیں وہ کتنی ولاگنگ کر رہے ہیں اب وہ ڈفرینٹ کانٹینٹ لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے سوچیے گا ضرور اس بارے میں
What happened to 5 minutes tip? That was such a great initiative. Mozam, bilkul yaar, wo kahin kho gayi hai. Karunga inshallah future mein. And okay. Currently, ek achha graphic designer kya hota hai? I'm a graphic designer, but I want to be a good designer. Ji sir. जब आपको लगे कि आप अब अपने डिजाइन की स्किल्स के से अब किसी भी क्लाइंट या किसी भी बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली उसकी भी डिजाइन प्रॉब्लम हो या कोई ब्रोशर हो या कुछ भी चाहिए हो, और आप अपने डिजाइन स्किल से उसको सॉल्व कर दें, सेटिस्फाइड कर दें, तब आप अपने आप को गुड ग्राफिक डिजाइनर समझना शुरू कर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो बात वही है कि अहमद आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हो, और जिस दिन आपने कामयाबी से सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, आप अच्छे डिज़ाइनर हो, बस ख़त्म बात है। सही है। डिफरेंस बिटवीन स्केचिंग एंड ड्राइंग, देखो ड्राइंग हर तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कोई रूलर उठाई और उससे मैं अपने कमरे का पूरा लेआउट ड्रॉ कर रहा हूँ। सही है। मैं रूलर यूज़ कर रहा हूँ उसमें, और डिफरेंट टूल्स, कंपास यूज़ कर रहा हूँ, एंगल्स नाप रहा हूँ। दीज आर ड्राइंग्स, ठीक। एंड स्केचिंग क्या होता है? बिल्कुल फ्री हैंड स्केच होता है। अच्छा जी। आई एम एन एनिमेशन स्टूडेंट, आई वांट टू लर्न मोर इन आफ्टर इफेक्ट्स, समथिंग मोर प्रोफेशनल व्हिच कैन हेल्प अस मोर प्रोफेशनली। थैंक यू, लव फ्रॉम इंडिया, मोहम्मद शरफ। एक तो आप माशाल्लाह से इतने ज़्यादा मोर आपने डाल दिए जुमले में। अच्छा मोहम्मद, देर आर लॉट ऑफ अदर यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में। वन ऑफ माई फेवरेट चैनल फॉर आफ्टर इफेक्ट्स इज एडोबी वर्ल्ड। शुएब बागी सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। इंडिया में निखिल पवार का है चैनल, जो कि इंग्लिश में है, डोप मोशंस। सही है। एंड उसके अलावा फिर और यूएस की तरफ चले जाए तो फिर नाम भूल गया, वीडियो को पायलट अगर आप सर्च कर लें, उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल वीडियो को पायलट, देर आर लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेज आफ्टर इफेक्ट्स की, तो बहुत सारी हैं जो कि आप देख सकते हैं सीरीज। एंड ये याद रखिएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स या फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, ये कभी एंड नहीं होते। ये इनमें तो आप जितना सीखते रहेंगे उतना ज़्यादा आप पॉलिश होते रहेंगे, हर बार कुछ नई चीज़ सामने आ जाती है। ठीक है। एंड्रयू क्रैमर, यस बिल्कुल 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 याद आ गया। ये मुझे बता दिया इन्होंने, किसी ने, वो निकल गया नाम। इस्लामाबाद कब आ रहे हैं सर किसी मीटअप पे? यार मैंने कराची में तो मीटअप कर लूँ पहले। हाँ जी, अंसार वासिफ, आई डोंट नो, ये अंसार वासिफ वही हैं जिनको मैं जानता हूँ। अंसार भाई आप वही हो? अंसार वासिफ वन ऑफ माय ओल्ड बडी, आई थिंक ये वही हैं शायद। सो यस, एंड्रयू क्रैमर। अच्छा जी, यार एक ही सवाल रिपीटेडली आते हैं, व्हाट इज कैरिकेचर एंड इलस्ट्रेटर? कैरिकेचर, देखो कैरिकेचर इज सॉर्ट ऑफ कार्टूनिश फेस, और यूजली जो फेस के फीचर्स होते हैं, हर एक के कोई खास फीचर्स होते हैं, उनको एग्जैजरेट किया जाता है, दैट इज कैरिकेचर। इलस्ट्रेटर जो है वो इलस्ट्रेट करने वाले को कहते हैं। सही है। एंड अब इलस्ट्रेशंस किसी भी तरह की हो सकती है, वेक्टर टाइप की भी हो सकती हैं, इवन पेंसिल से भी इलस्ट्रेशंस होती हैं। सो आपने देखा होगा स्टोरी बुक्स के अंदर जो ड्राइंग वगैरह जो बनी हुई होती हैं, वो यूजुअली इलस्ट्रेटर्स कर रहे होते हैं। ठीक है ना। नाउ इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर भी है, मैं पर्सन की, इन एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। कैरिकेचर इज अ डिफरेंट थिंग है, वो भी इलस्ट्रेशन में ही आता है, लेकिन कैरिकेचर इज इट्सेल्फ एन आर्ट, कि वो फेशियल फीचर्स, लाइक आप कार्टूनिश चीज बनाएंगे लेकिन पीपल विल रिकॉग्नाइज कि किसका कार्टून है, दैट इज कैरिकेचर। ठीक है। आई वांट टू अर्न मैस्कॉट लोगो, अर्न या लर्न? लर्न होगा सर, लर्न होगा मैस्कॉट लोगो। सर जी बताइए, मैस्कॉट लोगो के लिए सबसे पहले सर आपको
ड्राइंग या स्केचिंग के स्किल्स होने चाहिए मेरे लिहाज से, क्योंकि इसके बगैर फिर आपको पता नहीं, क्योंकि जब कोई हम कैरेक्टर डिज़ाइन करते स्केच करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो बना रहे हैं करेक्टर स्पेशली, तो उसके शेड्स और शेडोज और हाइलाइट्स वो सारी चीज़ का हमें इल्म होना चाहिए, देन एक अच्छा मैस्कोट बनेगा। वरना तो फ्लैट तो कोई भी बना सकता है इलस्ट्रेटर में रख के। सो जैसे हमारे ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं, ये भी ऑब्वियसली एक लाइट इधर से पड़ रही है, किधर से पड़ रही है, इधर वाली कम पड़ रही है, इधर वाली ज़्यादा पड़ रही है, तो वो सारे जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप एक अच्छा मैस्कोट नहीं बना सकते। बाकी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, वो भी एक ड्राइंग ऑलरेडी बनी होगी और वो भी फाइनली आपको जो है ना एंड पे आके आपको एक चीज़ ऐसी होगी जो आपको नहीं समझ आएगी और वो होगी शेड्स। फ्लैट डिज़ाइन बना देंगे, उसके बाद वो जो शेड्स पड़ रहे हैं, वो जो शेडो बन रहा है उसका, उसकी हाइलाइट्स कैसे बनी है, वहाँ पे आके आप फेल हो जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि मैस्कॉट लोगो के लिए आपको कोई ट्यूटोरियल देखने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। यू नीड टू वर्क ऑन योर ड्राइंग एंड स्केचिंग। जब तक कि आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आएंगे ना, आप जितने भी ट्यूटोरियल देख लें, मिसाल के तौर पे एक आपने मैस्कॉट का लोगो देखा जिसमें बंदे ने शार्क ज़बरदस्त किस्म की बनाई हुई है या वुल्फ बनाया हुआ है या कोई और अजीब सा कैरेक्टर बना दिया है, वो देखने के बाद आप क्या होगा कि आप वो बना लेंगे जो जो उसने बना के दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही समझ में आ रहा है, आप खुद से तो सोच के नहीं बना पाएंगे, तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट आर्ट पे काम करना है और उसके लिए आपकी लाजमी है कि ड्राइंग या स्केचिंग अच्छी हो। स्केच करो, उसके बाद उसको इलस्ट्रेटर में ट्रेस करो, देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स के हाउ टू ट्रेस, वो फिर एक बात की बात है। पहले वही ना कि आपका कॉन्सेप्ट तो हो ना कि क्या आपने हर बंदे को शार्क ही बना के देनी है। वही तो वही तो एक बंदा आ गया, उसने कहा ना मैंने अपने हाथ में शार्क पकड़नी है और शार्क का मुंह खुला हो और उसके दांत गोल्डन कलर के हो, अब क्या करेंगे आप? एक मिनट सर ठहरिएगा, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ब्लॉक करना है यार। एक तो ये फेसबुक वाले ब्लॉक नहीं करने दे रहे होते। आयशा आप प्लीज रोक दें अपने सवालत, प्लीज स्टॉप स्पैमिंग, स्पैम करना छोड़ दें। ओके, Which software should I learn for product render, which I turned that on mockup in Photoshop later? Adobe Dimension. अच्छा, मैंने use नहीं किया ये। और उसमें बनी बनाई चीजें mostly आपको काफी help कर देती है mockups बनाने में। उसके बाद अगर नहीं समझ आ रहा, you can go with the Blender. There are so many tutorials on YouTube जो आपको बकायदा उस चीज के लिए train कर रहे हैं कि आप mockups कैसे बना सकते हैं। और अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, मॉकअप्स बनाएं, मॉकअप्स बना के सेल करें, दिनों में अमीर हो जाएंगे, दिनों में। ट्राई करूंगा मैं भी। लिटरली सर ऐसी है। अच्छा मैं पहले अपने क्लाइंट्स के लिए अगर मॉकअप बनाता था ना, तो मैं क्या करता था कि मैं फोटोग्राफी करता था ऑब्जेक्ट की और फिर उसके ऊपर फोटोशॉप से चीजों को बिठा देता था। जी, बड़ा अच्छा लगता था वो, जबरदस्त। सो वही बात है, जैसे अगर आप 3D में बना रहे हैं तो आप फोटोग्राफी भी कर लें और वो और मजे की बात वो ज्यादा नेचुरल लग रहा होता था। बिल्कुल ऐसी थे। क्या पीपीटी भी का भी डिजाइन बनाते हो? मैं तो नहीं बनाता सर, आप बनाते? मैंने सर स्टार्ट में फ्रीलांसिंग के बनाए थे कुछ कस्टमर्स के लिए, लेकिन वो उस वक्त की डिमांड थी। ठीक है, उस वक्त आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी एक पावरफुल टूल बन गया। और अगर आप ग्राफिक रिव्यू पर जाके सर्च करें, बाकायदा इसकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो बिकती हैं $40-$47 की, और वो लोग परचेज कर रहे हैं और सबसे हाई आप कह सकते हैं हाई रेटेड प्रोडक्ट है वहाँ पे लोग। और मैं कहता हूँ उन्होंने दुनिया बदल दी उसके अंदर, जो हम काम इलस्ट्रेटर में करते हैं वो पावर पॉइंट में करवा रहे हैं। वो शेप्स बनाते हैं इलस्ट्रेटर में, उसको एक्सपोर्ट करते हैं उसकी फॉर्मेट में जैसे SVG होगी, और वो सारी चीजें उधर ले जाके पावर पॉइंट में डाल देते हैं और वो एक अलग ही जहान बना देते हैं जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और कंपनीज आर बाइंग दोस प्रोफाइल्स। आपको एक मजे की चीज बताऊं, मेरी वाइफ जो अपना चैनल चला रही है, बल्कि अपना पूरा माशाल्लाह से बिजनेस उसने खड़ा कर दिया है, और वो
उसकी बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी है और वो अपने जो भी चीजें सोशल मीडिया के लिए डिजाइन कर रही होती है ना वो पावर पॉइंट पे कर रही होती है. शी डज नॉट नो अ बिट अबाउट फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर. शी डज एवरीथिंग ऑन पावर पॉइंट एंड आई गेट अमेज्ड कि यार ये तुमने वाकई पावर पॉइंट में हाँ तुम्हारे सामने रखा हुआ है. अब वो आजकल थोड़ा सा कैनवा पर भी आ गई है बट पावर पॉइंट इज अमेजिंग. वो पुराने दौर का लव है सर. नो डाउट नो डाउट. मॉकअप कहाँ सेल कर सकते हैं सर? मॉकअप आप ग्राफिक रिवर पर भी सेल कर सकते हैं. जो लिस्ट सर ने चलाई है उसमें से ग्राफिक रिवर, क्रिएटिव मार्केट, द हंगरी जेपी, ईजी और फ्री पिक, ये चार वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं. एटसी पे आप टेम्पलेट, एटसी की एक और चीज बता दूं मैं, आप बताना भूल गया, वो 0.2 आपसे पर आइटम चार्ज करते हैं लिस्ट करने की, $0.2. ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं $1 में 5 आइटम्स आपको लिस्ट करेंगे. एक साल की फीस होती है इनकी $0.2. तो अगर आप इसको पेड पे नहीं जाना चाहते तो बाकी सारी साइट्स फ्री हैं, बिल्कुल साइन अप करें अपना क्वालिटी डिजाइन. आई बिलीव कि जो वेबसाइट्स पेड होती है ना उस पे कर लेना चाहिए कुछ बेहतर ही होता है. हाँ जी, तो एटसी बेसिकली एक नेटवर्क है जहां पर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाकर भी सेल कर सकते हैं. मसलन अगर आप बच्चों के ऊन वाले खिलौने बना रहे हैं या जुराबे बना रहे हैं या कोई इस तरह का, एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ज्वेलरी बना रहे हैं हैंड क्राफ्टेड, कैप्स बना रहे हैं. आपका इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है शायद, अटक रही है आपकी वीडियो. बेहतर हो गई, सही है, कंटिन्यू जी. यानी कि एटसी का बता रहा था कि अगर आप हैंडक्राफ्टेड चीजें भी सेल करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपके पास ये चीज है. सो डिजिटल भी है, हैंडक्राफ्टेड भी, एटसी का ये सिस्टम है. लेकिन बाकी जितने नेटवर्क्स हैं वो सारे फिजिकल हैं और सॉरी डिजिटल हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं. तो ग्राफिक रिवर ट्राई करें फॉर मॉकअप सेलिंग, हाथों हाथ बिकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट, आप चेक करें, एक दफा विजिट करें. और इसकी प्ले लिस्ट पूरी मेरे चैनल पे मौजूद है और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा भाई, मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दूं, अरसलान साहब का जो चैनल है उसका नाम है डिज़ाइन एकेडमी और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ जाएं. बहुत काम की वीडियोस हैं इनके पास, बहुत एक्सेलेंट तरीके से समझाते हैं. बातों से तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अच्छी बातें करते हैं और बड़ा एक क्लियर जो समझाने का तरीका होता है ना वो होता है. अच्छा, मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन इन डिजाइन एंड इलस्ट्रेटर. मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं. अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है तो इन डिजाइन इंस्टॉल करो और यूज करना शुरू कर दो, आपको सीखने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ फीचर्स हैं जिसको आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी. अच्छा, डिफरेंस मैं बता दूं क्या है कि इलस्ट्रेटर इज फॉर इलस्ट्रेशंस, इन डिजाइन इज फॉर पब्लिकेशंस. मोस्टली जो टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, प्लस उसमें मास्टर पेजेस दिए हुए हैं. और आप जैसे बुक डिजाइन कर रहे हैं या मैगजीन डिजाइन कर रहे हैं या बुकलेट डिजाइन कर रहे हैं या इवन इंटरेक्टिव बुक आप डिजाइन कर रहे हैं, ई बुक, तो वो आप उस पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं. से यहाँ पे मैं आपको अपना क्रिएटिव मार्केट का अवार्ड भी दिखाना चाहूंगा. सर दिखाएं प्लीज. $50,000 जब मैंने कंप्लीट किए थे तब उन्होंने शॉप प्रो ऑनर जब वो देते हैं एक फीचर क्रिएटिव मार्केट प्रो का. $50,000 कमा लिए थे आपने? जी सर. माशाल्लाह, दिखाएं क्या आया था. जबरदस्त माशाल्लाह, ब्यूटीफुल. सर सॉरी, गलत बटन दबाया था. माशाल्लाह सर, कांग्रेचुलेशन. ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ये भी मिलते हैं. ये भी मिल जाते हैं सर, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे सारी चीजें मिल जाती है. जबरदस्त. चलो सर, आई थिंक इट वॉज एन एक्सेलेंट स्ट्रीम. आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई चीज़ ऐसी बात जो शेयर करना चाहें सबके लिए, कोई मैसेज? मैं सर यही कहूँगा अपनी नेशन को, स्पेशली अगर जो हमें देख रहे हैं, आई थिंक हजार लोग तो देख ही रहे थे उस वक्त, कि बजाय हम वो शॉर्टकट्स जो देखते हैं थंबनेल स्पेशली, कि $5 5 मिनट में $15 कमाएं, उस वो चीज़ नहीं पॉसिबल यार. स्किल्स वाले लोगों की कदर करें, वो सिखा रहे हैं, वो आपको टाइम दे रहे हैं. मेरी
चाहे आप ना कदर करें, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो अपना टाइम स्पेंड करके आपको वो चीज बता रहे हैं जो आपको नहीं मिलेगी। क्यों ना करें आपकी कदर सर, क्यों ना करें? नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी बातें कह देता हूँ, लोग चले जाते हैं गुस्सा करके। जाने दे, जो जा रहा है वो नुकसान कर रहा है सर, छोड़े। हाँ जी, तो अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें। और दूसरा बात यह कि देयर आर सो मेनी नेटवर्क्स, आप लोग अच्छी क्वालिटी काम करेंगे तो हमारे पूरे मुल्क का नाम बनता है। एक टाइम था कि जब बड़े अच्छे हम डील करते थे, कस्टमर हमारी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब मोस्टली ऐसा होता है कि जब कुछ कंट्रीज, नाम नहीं लूंगा, कि अब जब उनका नाम आता है तो हमें वैसे डिक्लाइन कर देते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, मैं अगर एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है मुझे आज कुछ अपना पैगाम देने के लिए, तो वो शॉर्टकट्स अपनाना छोड़ दें, फोकस ऑन स्किल्स, एंड देन आप आए अपने इन वेबसाइट्स के ऊपर जो हम आज मेंशन कर रहे हैं। नीचे है फाइवर है, अपवर्क है, ये सारी वेबसाइट्स हैं। और ये आपको बता देता हूँ कि ये हमारी हरकतों की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जैसे क्रिएटिव मार्केट है, आज कोई बंदा इसके ऊपर अपनी शॉप अप्रूव करवा के दिखा दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आज से जब ये स्टार्ट हुई थी 2014-15 में, तब मैं लोगों से मिनते करता था, ये $5-$10 दे के अपने अकाउंट्स बनवा रही थी सर, कि यार हमारी साइट के ऊपर आके काम करो, टेम्पलेट्स रखो, हम आपको $5 मुफ्त में दे रहे हैं, प्लस 100 टेम्पलेट्स डाउनलोड करें जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाए, जो इन हाउस टीम ने बनाए। उस वक्त मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने नहीं मानी, शॉप ओपन नहीं की, ठीक है? और मैंने घर वालों के सबके बनवा दी, सिस्टर की, अपनी भी, सबके पोर्टफोलियोज दिखा के कि यार ये देखो, ठीक है? एंड दे आर अर्निंग। अब वो लोग तरसते हैं, अब वो लोग दोस्त आते हैं, यार हमारी भी शॉप ओपन करवा दो, वो अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाती है, वो 6-6 दफा 10-10 दफा रिजेक्ट हो चुके हैं। ये क्रिएटिव मार्केट इनवाटो वालों की है, इनवाटो वालों की ग्राफिक रिवर है, क्रिएटिव मार्केट इनके मुकाबले की एक इन्होंने स्टार्ट की थी आज से 2014-15 में, एंड बोथ आर बूमिंग लाइक रॉक। इस वक्त तो ग्राफिक रिवर वालों का ये था कि आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट सबमिट करवा सकते थे एक मंथ में, लेकिन इतनी ट्रैफिक और इतने लोग आ गए हैं ये पेंडेमिक की वजह से कि उन्होंने लिमिट डाल दी कि आप एक मंथ में सिर्फ 5 लोगों सबमिट करवा सकते हैं, एक मंथ में 10 प्रिंट टेम्पलेट सबमिट करवा सकते हैं, एक मंथ में सिर्फ 10 वैक्टर्स फाइल आप सबमिट करवा सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं वहाँ पे। तो ये आप कह सकते हैं कि पैसिव इनकम है ना, आप बैठे रहें। जैसे मैं अगर मुझे अगर आप अलाउ करें स्क्रीन शेयर पे, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक अपनी क्रिएटिव मार्केट की शॉप का थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि ये इस मंथ के अभी $64 हुए हैं, तो जबरदस्त माशाल्लाह। शॉप एनालिटिक्स, इट विल टेक सम टाइम टू लोड, वो स्टैट्स लोड करते हुए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये देखें, ये एक शॉप है, दूसरी मेरी $30,000 जो है जो इसकी अर्निंग है, $51,000 में टोटल रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ। ये तकरीबन सर ये 2014 बल्कि आप 17 से लगा लें, क्योंकि 3 साल तो मैंने भी इनको सीरियस लिया ही नहीं था कि ये कुछ देंगे भी नहीं। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स बनाई और ऑलमोस्ट 500 प्रोडक्ट्स थी, जिसमें प्रोडक्ट दिखाया ना कि क्या चीज बनाई थी जिसमें आपका जी सर। ये फाइल आ गई, पोर्टफोलियो निकल रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली साइट अपडेट की है, ये रही सर, फीचर सारे इधर उधर कर दी ले सर। उसमें मैं सर लोगोज हैं, कार्ड्स हैं, इसके बाद लोगो बना के बैठे हो यार, माफ कर दो। ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है सर इसमें भी, आपको भी पता है सर कि जब चीजें होती हैं तो इस तरह की। So, ये बेसिकली मैंने लाइव ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें हमने ग्राफिक रिवर की ट्रेनिंग के दौरान ये मैंने बनाया था, तो मैंने कहा चले पढ़ा तो नहीं, अभी नहीं बिका। तो मैं इसमें जो आपको एक और चीज दिखाता हूँ सर, कि यहाँ पर अगर मैं आपको सेल्स दिखाऊं अपनी, तो एक कार्ड मुझे कितने $1,000 जनरेट करके दे चुके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ सर।
ये देखें सर, ये एक कार्ड है और वेर इज आई थिंक मैंने इसकी टोटल सेल्स नहीं दिखा रहे सर, एक तो टाइम चेंज करना होगा मेरे ख्याल से ऑल द टाइम। यहाँ पे वो पॉपुलर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन चला गया थी, उन्होंने डैशबोर्ड टोटल चेंज कर दी। सर खैर कोई मसला नहीं, वो हमें दिख गया माशाल्लाह से सर, नजर लग जाती है छोड़े कोई मसला नहीं सर, बहुत दफा नजर लगवा चुका हूँ मैं अपना फाइवर का टॉप रेटेड अकाउंट जो है इसी वजह से करवा चुका हूँ बैन, वो दिखा देता था पब्लिकली और एक दिन मत दिखाया, साफ हो गया सर वो सफा हस्ती से मिट गया। मैंने आपको पता है यूट्यूब पर भी ये पॉलिसी है कि आप अपनी इनकम शो नहीं कर सकते, सो ना किया करें बिला वजह कोई मसला हो फिर। मैं जैसे इनको जरा मोटिवेट कर रहा था कि एक कार्ड है जिसकी कीमत $6 है और वो तकरीबन उससे मैं $2100 कमा चुका हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त, तो इस तरह ये जी बेहतरीन बेहतरीन काम कर गए सर आप माशाल्लाह से, बहुत एक्सेलेंट लगी हमें ये पूरी सीरीज। शोएब आपका एक जो ये सवाल है मैं आपको बता दूं कि नहीं भाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप एडोबी की सारी एप्लीकेशंस सीखें। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, तो मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, मैं इसमें अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूँ, मैं कभी दावा नहीं करता कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स का एक्सपर्ट हूँ, सिखाया ज़रूर है लेकिन जितना आता था उतना सिखाया, ठीक है। ऑडिशन मुझे नहीं आता ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ 3 वीडियोस डाली हैं, मैंने उसमें भी ये कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑडियो का, एंड जितना मैं जानता हूँ या मैं जितना यूज़ करता हूँ उतना मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं इसमें सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अगर आपको एक दो एप्लीकेशन से अगर सारे काम निकल आते हैं तो भाई निकालो ना, क्या मसला है, टेंशन ही ना ही है। चलें जी सर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर बैठकर बात करने में, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह की और संगत जमाएंगे। बाकी सबसे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, अरसलान भाई का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिजाइन एकेडमी नाम है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत एक्सीलेंट चीजें ये सिखाते रहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। GFX Mentor Friday Night Live, आइए स्टार्ट नहीं करते हैं, आइए खत्म करते हैं। चलो जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। और एक और चीज भैया, अगर आप लोगों में से किसी के भी कोई सवालात रह गए हो तो सॉरी कर दीजिएगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतने सारे जो इतनी स्पीड में सवाल जा रहे होते हैं ना मिस हो जाते हैं, बहुत बहुत माजरत आपसे जिसका सवाल रह गया हो, बहुत ज्यादा सॉरी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे लाइव में, बट उससे पहले फ्राइडे से पहले यूएक्स डिजाइन की क्लास आएगी, पक्का प्रॉमिस आएगी।